Guys, so कैसे आप लोग मैं और आपका स्वागत करता हूँ आर बी के बीजेम स्क्रीम्स के अंदर तो क्या इस दो मैचेस बैक टू बैक होने वाले सबसे पहला मैच हम लोगों को बताइए का होगा जो कि हमारा फेवरेट मैप भी है एंड उसके बाद सेकंड गेम हम लोगों को देखने को मिलेगा मीरा मार का तो चलो आइए देखते हैं यहाँ पे ये दोनों मैच के अंदर क्या होने वाला है कौन सी टीम चिकन डिनर निकालेगी एंड फाइनली गए दो दिन के ब्रेक के बाद फिर से मैं आपके सामने आ चुका हूँ तो फिर से थोड़ा रिफ्रेश फील कर रहा हूँ यार दो दिन की छुट्टियों में तो यस मज़ा आएगा ये गेम के अंदर 57 सेवन प्लेयर्स ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है बाकी के प्लेयर्स भी मुझे लग रहा है बहुत ही जल्दी आ जाएंगे ऑलरेडी गेम में टाइम जो अपना हो चुका है वो हो चुका है नौ बज के नौ मिनट मतलब एक मिनट सर बाकी है अपना गेम स्टार्ट होने में बट यस yes, शायद थोड़ा और टाइम लग सकता है नौ बज के बारह मुझे लग रहा है नौ बारह से नौ तेरह के बीच में ये अपना गेम हो सकता है स्टार्ट तो चलो आज तो नज़र आएगी हमारी सारी टीम्स के ऊपर के यार जो वीक का पहला दिन होता है ना वो बहुत ही क्रूशल रहता है संडे ऑब्वियसली मेरे ख्याल से काफ़ी सारी लोगों ने वहाँ पे थोड़ा छुट्टी लिया होगा एंजॉय किया होगा अपना संडे एंड उसके बाद एक फ्रेश स्टार्ट यहाँ पे लेना चाहेंगे आज के दिन का और ऑलरेडी बहुत सारे मैचेस ऑलरेडी वो लोग खेल चुके हैं आज के दिन तो जो आज के दिन का एंड करना है उनको वो बेहतरीन तरीके से वो करना चाहेंगे तो चलो देखते हैं ये वाले गेम के अंदर उनको ये उनका जो परफॉर्मेंस रहेगा कि वो कैसा रहेगा वो आज देखा पड़ेगा काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनका आज अभी तक कुछ गेम्स ख़राब गए होंगे तो वो सोचेंगे कि यार ये मैच में तो मेरे को फायदा है सबको मान है तो यस ये सब भी हम लोगों को देखने को मिल सकता है एंड कोई लोगों के जो बेहतरीन गेम पहले गए हैं आगे वाले जो भी मैचेस हुए हो गए अभी तक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में भी कोई टूर्नामेंट के मैचेस भी हो सकते हैं तो उसके अंदर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है तो वो भी सोच रहे होंगे कि ये जो आज के दिन के जो आखिरी मैचेज होंगे कुछ तो उसके अंदर भी उनको एक अच्छा परफॉर्म करके आज के दिन का एंड करना है

कम हो गए इसके लिए ये लेना पड़ा मेरे को और वो भी पुराना पेड़ बेचने के बाद ये आया है सोचो पुराना आईपेड मैंने बेचा 21 के आसपास और 27 में ये नया ले लिया सोचो छः हजार खाली ऐड करने को किया मैंने आज हमारी फाइट दिखा देनी दिखा देना नहीं दिखा है तो वो कभी यार ब्रो नहीं 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 ऐसा नहीं होगा मैं ट्राई करूंगा यार कि यार सारी फ़ाइट को मैं कवर कर पाऊँ कभी कभी होता है यार ऐसा होता है कि एक जगह पे चलो फाइट हो रही है दूसरी जगह पे भी फाइट हो रही है तो कोई एक ही मैं जगह पे दिखा पाऊंगा यार बट यस मेरा पक्का ट्राई रहेगा यार साहब आज कि यार आप लोगों की को सारी फाइट्स मैं कवर अप कर लूँ एंड कभी कभी जो भूल होती है आज ना करूँ आज ना करूँ क्योंकि यार कभी ऐसा तो होता ही नहीं है कि यार एक जगह पे फाइट खत्म उसके बाद नहीं स्टार्ट होगी दूसरी जगह पर ऐसा नहीं होता यार एक साथ सब लोग और प्लेयर्स भी आप देख सकते हो ए प्लस प्लेयर्स हमारे साथ ज्वाइन होते हैं हर गेम के अंदर तो थोड़ा टफ भी रहता है मेरे लिए भी एंड आज पता नहीं कितने आज देख लेते हैं हमारे साथ कितने ओके okay, सेवेंटी के ऊपर तो है मल्टीपल फाइट्स नहीं दिखा पाते हो समझते हैं हमारे प्रो बस आप समझे ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है यार नहीं यार हर, हर लोग नहीं समझते यार क्यों नहीं दिखा सकते ऐसा होता है आज मेरा ट्राई रहेगा कि सारी की सारी फाइट को हम लोग कवर अप करें एंड मिनिमम uh, एक बार हम लोग हर uh, जो प्लेयर है उसके पीओई पे जाके आए मिनिमम एक बार मिनिमम एक बार तो ये मेरा ट्राई रहेगा आज एच ग्राफिक्स अरे uh, होते हैं बट यहाँ से होंगे तो क्या कर दूं ग्राफिक्स हाँ चलो लो एच डी आर और अल्ट्रा ठीक है बोलो और कुछ आपका हुक्म सर आंखों पर सार है ओके फाइनल प्लेन पाथ हमारा आ चुका है रोज आ रहा है बेस से लेके सवनी की तरफ काफ़ी अच्छा प्लेन पाथ हम लोगों को देखना मिल रहा है एंड इस वाले प्लेन पाथ के अंदर प्लेस के पास ऑप्शन भी काफ़ी रहेंगे और अपना मिलटेरी बेस दोनों कवर अप हो जाते हैं एंड इसलिए मैं बोल रहा हूँ यार ये काफ़ी अच्छा प्लेन पाथ हम लोगों को देखना मिल रहा है उसके सिवा मिल्टा एक एरिया रहेगा अच्छा खासा हम लोगों को देखने मिल सकती है वहाँ पे फाइट पूछेंगे ये एरिया अप हो चुका है वॉटर सिटी रोजॉक स्कूल स्कूल अपार्टमेंट में प्लेस जरूर से जाएंगे और एक बड़ा हर ड्रॉप जरूर से हम लोगों को यशा देखने को मिल सकता है और प्लस सवनी भी ऐसा ही कुछ हेर ड्रॉप हम लोग ड्रॉप देखने को मिल सकता है मत करो एच फिर अगर एक्सट्रीम नहीं है स्मूथ ही कर दो ठीक okay, <laughs> जो 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 आप बोलोगे वो अल्ट्रा ही है यार एच डी में एच डी में भी अल्ट्रा बैलेंस में एक्सट्रीम है बट स्मूथ चलेगा ड्रॉप क्लैश और वॉट यस ब्रो ड्रॉप क्लैस तो बहुत ही होने वाले बहुत मतलब ज़्यादा हो सकते हैं एंड सबसे सब पहली फाइट हम लोगों को यहीं पर नॉर अपने एक एरिया में देखने को मिल सकती है क्योंकि स्कॉर्स की स्कॉक में uh, को डॉबी और रॉकी की फाइट होने के चांसेस रहेंगे टीम नंबर एटिंग के प्लस के साथ जो कि एन ई शासन एंड आइकॉनिक जो तीन क्लैस के साथ ही खेल रहे हैं बट फिर भी देखना पड़ेगा यहाँ पर जो उनकी फाइट होगी वो फाइट को स्टार्ट कैसे कर दिया क्योंकि सबसे पहले उनको एक नॉक निकालना है एंड जैसे नॉक निकालेंगे एक फिनिश करेंगे मेरे ख्याल से प्लेयर तो फिर वो फाइट इक्वली हो जाएगी थ्री वर्सेस थ्री की तो चलो देखते हैं यहाँ पे उनकी जो स्टार्ट होती है वो कैसे फाइट स्टार्ट होती है काफ़ी करीब प्लेयर्स नजर आएंगे पर वहीं पे डी डब्ल्यू एस के स्कॉके प्लेस के भी एक फाइट देखने का चांसेस चांस आएंगे हम लोगों को डी डब्लू एस में रेबल डार्क नाइट आई जे क्लच बिश नजर आएंगे हम लोगों को एंड सबसे सब पहले एक इनिशियल लूट करना चाहते हैं थोड़ा अलग जगह भी प्लेयर्स नजर आएंगे बस शिल्के स्टेप के ऊपर जरूर से शॉट जाएंगे उनको नॉक करने की कोशिश रहेगी सामने की तरफ से यश के द्वारा भी हम लोगों को शॉट्स देखने को मिल सकते हैं एंड स्नाइपर नेगन राइफल के ये शॉर्ट्स क्या क्लच घर को करने में कामयाब रहेगा या फिर अगर हेड में एक हेड शॉट लग गया तो फिर मेरे से जरूर से एक बंदा नॉक हो सकता है बट चलो मिस कर दिया यहां पे ऐसा यश ने बट आगे और फाइट होने के चांसेस रहेंगे ये फाइट फॉर वी फॉर की बहुत ही जल्दी फ़ाइट स्टार्ट हो सकती है क्योंकि प्लेयर्स के पास उतनी ज़्यादा अच्छी खासी लूट होगी नहीं एंड कोई ऐसी आसपास जगह भी नहीं नज़र आ रही है कि जहाँ से फॉल बैक कर सकते हैं वो लोग ओपन एरियाज नज़र आएगा तो शॉट जरूर से आ सकते हैं एंड एक चीज़ खाली अच्छी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है कि चारों के चारों चारो प्लेयर्स साथ में नज़र आ रहे हैं एंड इसी वजह से वो साथ में रहेंगे एटलीस्ट पिस्टल भी रहेगी उनके पास तो वो भी उससे भी फाइट ले सकते हैं एंड खत्म कर सकते हैं सामने वाली टीम को भाई भाई डी डब्ल्यू एस किस के प्लेय की बात की जाए तो वही हम लोगों को थोड़ा मिसिंग नजर आ रहे हैं क्योंकि सिर्फ दो ही प्लेयर्स यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है उसमें भी एक प्लेयर थोड़ा बैक करता हुआ नजर आ सकता है एंड वहीं पर उनके ऊपर अगर एक शॉर्ट्स हो गया तो फिर मुश्किल बढ़ सकती है उनके लिए एससीएस आस के फ्लैक्सी ने वहाँ एक नॉक निकालस तो आस की, की फाइट अगर हो रही है तो मुझे लग रहा है कि शायद यहां पर हो सकती है नहीं यहां पर तो नहीं है एससीएस की स्क्के प्लस वैसे है कहां पर थोड़ा ढूंढना मुश्किल होता है कभी कभी येस फाइनल आ चुके हैं हम लोग फ्लैक्सी मैग्स प्रो एंड बीशोवी के पर रहे वहां पर फ्लैस के ऊपर नॉक करने की कोशिश और एक शॉट तो कनेक्ट हुआ था एंड वहीं पे रॉनेक्स हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा फे एम फोर का ये स्प्रे काफी बढ़िया सा है बट फिर भी वहाँ पे प्लेर्यर्यस को नॉक नहीं कर पाएंगे एंड uh, सिंचैन जो नॉक पड़े हुए देखने को मिलेंगे वो जरूर से लग रहा है वैसे मैगनस गए वहाँ पे उनको फिनिश करने के लिए एंड uh, जरूर से मेरे ख्याल से जो दूसरे प्लेयर्स भी उनके करीब आए तो उनको भी ख़त्म करने की कोशिश रहेगी फ्लैक्सी उसी बीच आ चुके हैं एंड यहाँ पर फ्लैक्सी को नॉक कर दिया जाएगा तो मैगनस के पास ये मौका रहेगा कि जाना पड़ेगा अपने प्लेयर्स को बचाने के लिए एक नॉक निकालने पड़ेंगे हार्बर के ऊपर शॉर्ट जाएंगे मैगनस भी यहाँ पे मुश्किलों में नजर आएंगे पर एक नॉक जरूर से निकालेंगे दूसरा नॉक्स यस फ्योनिक्स को भी कर दिया जाएगा यहाँ पर नॉक एंड क्या ही बेहतरीन यहाँ पर गेम देखने को मिल रहा है पर यहाँ पर ओके okay, शॉर्ट्स तो आ रहे थे बट फिर भी फ्लैक्सी को रिवॉल दिया जा रहा है पर एम वन के द्वारा जो शॉर्ट्स यहां पर लगाए उन्होंने बहुत ही बेहतरीन था यह चीज फ्लैक्सी को रिवॉल मिल चुका है पर उसके बाद टॉक्सिक भी आ चुके हैं यहां पे फाइट लेने के लिए तो जरूर से फिर से यहाँ पे फाइट होने वाली है एंड वन वर्सेस थ्री यहां पे होने के चांसेस रहेंगे मैग्नस के पास ये मौका रहेगा तीसरे प्लेस को भी खत्म कर सकते हैं एंड यस शॉर्ट जाएंगे पर फाइनली उनको खत्म कर दिया जाएगा दूसरे प्लेस के द्वारा तो दो फिश पॉइंट यहाँ पे मैग्नस को मिल चुके हैं टोटल चार फिन चारों के चारों फिनिशेज पॉइंट यहां पे ये टीम को मिल चुका है अभी तक हम लोग चलेंगे सीधा दूसरी जगह पे वैसे सी की स्कॉके प्लेस के भी एक फायर को मिलेगी तो चलेंगे सीधा उनके ऊपर और देखना चाहेंगे मार्सेल और विल मिलके क्या टीम ने फाइ के प्लेस को खत्म कर पाएंगे वैसे मौका है यहाँ पर नॉक निकालेगा और नॉक निकाला जाएगा विल ओपी के द्वारा तो ये बंदा तो बहुत ही ओपीआई एंड बहुत ही ओपी तरीके से उन्होंने एक एंगल क्रिएट किया था वहाँ पर नॉक निकालने के लिए और गैमर को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था इस तरफ से इनके ऊपर शॉर्ट्स आ सकते हैं पर आए नॉक निकाला और फिनिश भी जरूर से करेंगे वैसे ये टीम ने ओफाई का एक और प्लेयर हम लोगों को देखने में लगेगा और वो है फ्यूशियो तो वो कैसे खेलेगा यहाँ पे जब आखिरी बंदा बाकी रहेगा अपनी स्कॉल की तरफ से तो मुश्किल या बढ़ने वाली है उनके लिए आ, कभी भी फाइट हो सकते हैं वैसे टी टी की तरफ से एक सोलो प्लेयर्स हम लोगों को, को यशना के एरिया में लूट करता हुआ नज़र आएगा बाकी के दूर बाकी के प्लेयर्स उनसे काफ़ी दूर नज़र आ रहे हैं इसी वजह से शायद उनके लिए उन थोड़ी दिक्कत हो सकती है बट जोन की जो बात करें तो काफ़ी साउदर्न पार्ट भी हम लोगों को जाता हुआ नजर आएगा और यहाँ पर साउदर्न पार्ट पर बहुत सारी टीम्स हम लोगों को देखने को मिल रही है एंड ये सारी टीम्स के लिए यहाँ पे थोड़ा एडवांटेज होने वाला है आ, पर शॉर्ट्स जाएंगे यहाँ पे नॉक निकालने की कोशिश भी रहेगी बीच के द्वारा तो चलो देखते हैं यहाँ पे चारों प्लेयर्स खेलते कैसे एंड अलग अलग पोजिशन की नज़र आएगी हम लोगों को चारों प्लेयर्स की पर यस एक या दो नॉक्स निकालने की कोशिश रहेगी चारों तरफ से गेर लिया गया है यहाँ पर सिल्क स्कॉर के प्लेयर्स को शिल्ड स्टेप टी एम एस एंड यश को एंड ज्यादा लूट भी नहीं है ये प्लेयर्स के पास तो यस प्लेयर्स थोड़ा क्लोजिंग करेंगे दिक्कत हो सकती है उनके लिए एंड खत्म भी हो सकती है शायद ये स्कॉर फ्यूसर ने वहाँ पे सी के विजाक्स भी को नॉक कर दिया है तो यस फिर से फाइट स्टार्ट हुए है वहां से लॉकेला प्लेयर बाकी रहेगा फ्यूसर की पॉजिशन काफी अच्छी है विक्टर पेन ने वहाँ पर आदित्य को नॉक कर दिया है तो ये फाइट जरूर से मुझे लग रहा है कि अपने स्कूल अपार्टमेंट के एरिया में हुई होगी तो जाना पड़ेगा वहाँ

वी का आइकॉनिक देखना पड़ेगा यहाँ पे कैसा परफॉर्म करता है एंड क्या स्क्वाड्स एस क्यू डी एस किस कोके को खत्म कर पाएगा या फिर नहीं आइकॉनिक के ऊपर एक नेड़ आया था नेड़ से बच चुके हैं पर यस मौका भी रहेगा वहाँ अपने सामने वाले प्लेयर्स के पास कि उनको खत्म करें काफी अच्छे खास शॉट्स भी उनके ऊपर कनेक्ट हो चुके हैं उनकी हेल्थ भी थोड़ी सी कम नजर आएगी बट थोड़ा फॉल बैक के भी करते हुए नजर आएंगे अपनी पोजिशन यहाँ पर थोड़ी चेंज करना चाहेंगे प्लेयर्स को पता ना चले विक्टर पेन को भी नॉक कर दिया जाएगा आदित्य के द्वारा तो यस अभी के लिए मल्टीपल नॉक्स हम लोगों को देखने को मिल रहा है हर तरफ तो आठ लोग अभी देख रहेगा गाइस लाइक जरूर से कर देना वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना ई एन के अमान ने वहाँ पे नॉक निकाला है जाना पड़ेगा हम लोगों को वहां पे विक्टरी पेन को सबसे सब पहले रिवाइव चाहिए और वहीं पे टीम नंबर इलेवन के प्लेयर्स भी यहाँ पे आ चुके हैं एक्स ब्लैक के बूजर डोजी उज्ज्वल और ब्लैक बीच ये चार के चार प्लेयर्स नजर आएंगे ने वहाँ पे डी डब्ल्यू एस के बीच को नॉक कर दिया है तो हर जगह पर मेरे ख्याल से अभी के लिए फाइट देखने को मिलेगी और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे टीम नंबर नाइनटीन लास्ट प्लेयर बाकी रहेगा और वो है लाइट और उनके ऊपर भी शॉर्ट्स आ रहे हैं ये बंदा भी कभी भी खत्म हो सकता है मुश्किल है उनके लिए अभी बनने वाली है। है। ने वहां पे विक्टरी बॉस को नॉक कर दिया है तो यस हर जगह मेरे ख्याल से अभी के लिए फाइट हम लोगों को देखने को मिल रही है टीम नंबर टू के प्लेस है यहाँ पे जरूर से पूरी तरह से स्कॉल को वाइपआउट करने में वो कामयाब रहे हैं एंड कर भी दिया जाएगा तो चलो अभी देखते हैं यहाँ पे डेविल कैसे खेलते हैं क्योंकि डेविल अकेला अपने बाकी रहेगा की तरफ से तो तरफ से शॉट्स उनके ऊपर आ सकते हैं एक तरफ टीम नंबर इलेवन तो काफ़ी क्लोजिंग कर चुके हैं वहीं पर हम लोग को टीम नंबर सिक्स के प्लेस भी आते हुए नज़र आएंगे एक्स ब्लैक डूरी के द्वारा पूरी तरह से स्कॉल वापआउट हो जाएगी आदि तुझे यहाँ पर दिया जा रहा है पर कितनी देर तक ये टीम भी सर्वाइव कर पाएगी वो देखना पड़ेगा डी डब्ल्यू एस में भी यहाँ पे फाइट हमें एक प्लेयर को उन्होंने खो दिया बीच खत्म हो चुका है डार्क नाइट रेबल ना एंड अभी भी बाकी रहेंगे पर क्या और कोई स्क्वाड आई है यहाँ पे पीछे थ्री के प्लेयर्स भी हम लोगों को डार्क नाइट के काफ़ी करीब नजर आएंगे शॉट जरूर से जाएंगे उनके ऊपर एंड ये फाइट रहेगी ड्रीम्स के सिजार वर्सेस डार्क नाइट की और डार्क नाइट को यहाँ पर नौकर दिया जाएगा सिजा ने यहाँ पर कोई भी मौका नहीं दिया था डार्क नाइट को आ, उनके ऊपर शॉर्ट्स लगाने का और डार्क नाइट का एक बेहतरीन एक और फिनिश पॉइंट उनको मिल सकता है तो चलो देखते हैं अभी के लिए बाकी के प्लेयर्स कर क्या रहे हैं और कैसे फाइट हो रही है आप के लाइट भी अभी के लिए फाइट लेते हो नजर आएंगे लास्ट प्लेयर बाकी रहेगा अपने की तरफ से एंड प्लेयर्स उनके सामने नजर आएंगे मुश्किल रहेगी ये फाइट शॉर्ट जा रहे हैं वहाँ पे करने की कोशिश हम लोगों को देखने को मिल रही है पिक एंड फायर भी देखने को मिल रहा है हम लोगों को बट फिर भी नॉक नहीं निकाल पाए लेफ्ट साइड से एक प्लेयर आ चुका है उनको नॉक करने के लिए नॉक निकालने की कोशिश एक नॉक मिल चुका है लाइट को पर दूसरा प्लेयर दूसरी तरफ आ चुका है ओके का यहाँ पे एक हम लोगों को शॉट देखने बोला पर फाइनल तीसरे प्लेयर्स के ऊपर शॉट जाएंगे उनको नोक करने की कोशिश बट फाइनली यहां पे एक्सपर्स ने पूरी तरह से स्कोर को वाइप आउट करने में अपना योगदान दिया और स्कोर को वाइप आउट कर भी दिया जाएगा तो यस दो तीन टीम्स के बीच की यहां पे फाइट और सीजार फिर से यहां पे सीधा क्लोजिंग ही कर दिया है यहां पे तो थोड़ा मुश्किलों में ज़रूर से नज़र आ सकते हैं उभर की तरफ जो भी प्लेयर्स है उनके पास एक मौका रहेगा यहाँ पे ख़त्म करने का सीज़र को तो चलो देखते हैं यहाँ पे ये वाला शॉट्स ओके नेट कनेक्ट हो उससे पहले यहाँ पे आ चुका है प्लेयर उनको नॉक करने के लिए तो देखते हैं दो प्लेयर्स के साथ यहाँ पे फाइट रहेगी और पूरी तरह से ये बंदा खत्म हो जाएगा पर शॉट्स उनके ऊपर भी आ रहे हैं टीम नंबर नब्बे के प्लेयर्स के द्वारा वो शॉट्स आ रहे थे और काफ़ी सारे प्लेयर्स अभी भी जोन के पार हम लोग नज़र आएंगे पर रेकमेंट के ऊपर हम लोग नजर डालना चाहेंगे और देखना चाहेंगे क्या उनकी फ़ाइट होने के चांसेज है क्योंकि काफ़ी करीब हम लोगों को प्लेयर्स नजर आए थे बोर्ड मिल चुके हैं उनको बोर्ड से जाने का प्रयास हो सकता है टीम नंबर सेवन जो कि किस प्लेयर्स उनका पीछा भी कर रहे है। तो चलो देखते हैं शायद रुक के उनके साथ फाइट भी ले सकते हैं टी की फाइनल यहाँ पे फायर दिखना मिलेगी सी स्टैप भी हो चुका है नॉक और शॉर के ऊपर शॉट जाएंगे पर फाइनली आई जी एल क्लच को भी नॉक कर दिया जाएगा खत्म कर दिया जाएगा और यस यहाँ पे एक और पूरी तरह से वाइप आउट हो चुके हैं टीम नोट ट्वेल्व में यश पूरी तरह से फिनिश हो चुका है बट स्टैप को यहाँ पे अभी भी रिवॉय मिलेगा एस सी एस की एक फायर देखने में मिलेगी हम लोगों का इशू हो चुका है नॉक टीम प्लेयर्स अभी भी अपनी स्कॉर की तरफ से बाकी रहेंगे और एस सी एस के स्कॉ के प्लेस से ज्यादा वो फायर ले रहे बीस ओबी को बेहतरीन तरीके से विजय ने नॉक किया एंड उसके बाद रहेगा मैंने उनके काफ़ी गरीब नजर आएगा तो वो भी कुछ और नॉक्स निकाल सकता है यहाँ से नीड करने की कोशिश उनके द्वारा देखने को मिली

को बचाने के लिए ऑक्सिमस गेमिंग को रिवाइव देना पड़ेगा उनको एंड वहीं पे टीटी रणाख हो चुका है नॉक तो टीटी की एक फाइट हम लोगों को देखने को मिल सकती है थोड़ा बड़ा कर लेंगे तो हम लोगों को भी पता चलेगा कि एक्चुअल में फाइट हो का आ रही है तो मेरे को तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है कि कोई और जगह पे फाइट हो रही है या फिर नहीं पड़ रहा हम लोग यही फाइट पे रुकेंगे और देखना चाहेंगे एस एस किसको प्लस को भी रिवाव मिल रहा है दोनों प्लेयर्स को रिवाव मिल जाएगा फ्लैक्सीपी रिवा हो जाएंगे और उसके बाद चारों प्लेयर्स मिलकर ज़रूर से फ़ाइट को अंजाम देना तो चाहेंगे बट रुक सकते रुकेंगे या फिर वो लोग निकल जाएंगे वो देखना पड़ेगा पोजिशन काफ़ी अच्छी रहेगी यहीं से शॉर्ट्स भी जा सकते हैं और जो भी प्लर्स पानी के एरिया में जाना चाहेगा तो उनके ऊपर शॉट्स ले सकते हो नॉक कर सकते हो एंड यस फाइनल स्पॉट का लिया जाएगा ऑक्सीम्स गेमिंग हो चुका है नॉक भी जाए कैनल के ऊपर शॉर्ट जाएंगे उनको भी नॉक करने का प्रयास रहेगा एक शॉट्स कनेक्ट भी हुआ था थोड़ा डैमेज भी हुआ था, पर नॉक नहीं कर पाएंगे स्मोक्स कर दिए गए बट फिर भी वहां पे सबसे पहले ऑक्सीमस गेमिंग का पेटी बनने वाला है ओके okay, फाइनल यहाँ पे एक और प्लेयर हो चुका है नॉक तो टीम नंबर टेन अभी के लिए थोड़ा तो मुश्किलों तो में नजर आएगी अंशु अकेला प्लेयर यहाँ से निकलना चाहेगा बट फिर भी मुश्किल ही रहेगी उनके लिए भी जब बोर्ड को स्पॉट कर लिया जाएगा तो बोर्ड के ऊपर शॉट्स जरूर से आ सकते हैं एंड शायद उनकी बोर्ड भी फोड़ी जा सकती है अगर प्लेयर्स ने उनको स्पॉट कर लिया तो एंड अगर उन्होंने नहीं किया तो शायद दूसरी स्कॉट भी शायद उनको स्पॉट कर सकती है टी की एक फाइट यहाँ पर हम लोगों को देखना मिलेगी टीम नंबर इलेवन के प्लेयर्स के द्वारा एंड देखते हैं पासू मामा और सोहम दोनों मिल क्या नॉक निकाल पाएंगे यस एक नॉक निकाला है उन्होंने फिनिश करने की कोशिश

लेसौन के बाहर उन्हें विजय के केन्याल वहाँ पे नॉक पड़े थे वो फिनिश हो चुके हैं तो चलेंगे हम लोग सीधा यहाँ पे ये टीम नंबर 15 के प्लस के ऊपर हम लोग जाना चाहेंगे एक्स एक्स एक्सर रोपी कॉम्बैट बैट और डोरामी तो मैं रोटेशन उनका देखना चाहूंगा एंड रोटेशन उनका हम लोगों को देखने को मिल रहा है लिपो का की एरिया से मिल्टा पावर नो रिपने के पीछे से पूरा इतना लंबा रोटेट करके ये स्क्वाड पहुंची है यहाँ पे फाइनली जोन के अंदर एंटर कर चुकी है एंड यहाँ से जब जोन हटेगा तो फिर देखते हैं यहाँ से फिर कैसे रोटेशन करेगी क्योंकि उनके पास व्हीकल नहीं है व्हीकल होता तो ज़्यादा बेटर रहता बट जिस तरह से उन्होंने बोर्ड के अंदर यहाँ पे जो रोटेशन डाला है तो उसकी वजह से अभी के लिए थे नहीं शायद अभी भी बोट में बैठ सकते हैं और पूरा घूम के फिर से जा सकता है ब्रिज के एरियाज में पर वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी रहेगा उनके लिए जोन भी तब तक आ सकता है आ, उसके बाद रेवन किसको के प्लेयर्स के भी पॉजिशन तो काफ़ी अच्छी है उनके पास पर मैं उनका भी रोटेशन देखना चाहूँगा उनका भी रोटेशन थोड़ा सिमिलर ही हम लोगों को देखने को मिल रहा है बोट के साथ ही वो एंटर किए हैं यहाँ पर ऐसा लग रहा है हम लोगों को तो शायद यहाँ पे फाइट होने के चांसेस भी रहेंगे पर वहीं पे एस के स्कॉ के प्लस भी जोन के अंदर पहुँच चुके हैं चारों के चारों प्लस लाइव भी नजर आएंगे तो उनका तो हम लोगों ने देखा था पर अंशु को फाइनल स्पॉट कर लिया जाएगा और उनके ऊपर शॉट्स भी जाएगा और ये पता खत्म हो सकता है एक और शॉट्स एक और शॉर्ट्स अगर उनके ऊपर कनेक्ट हो गया तो अंशु खत्म भी हो जाएगा तो चलो देखते हैं अंशु का परसपेक्टिव काफी ओपन में प्रोन डाउन है बट फिर भी बीच में एक बूट है मुझे लगा था यार बूट के आगे की तरफ है बट ये बंदा पीछे की तरफ था कवर के अंदर तो था एंड इसी वजह से मेरे ख्याल से बिगे तक लाइव नजर आएगा टीम नंबर सिक्सटीन आएगी इसको आगे प्लेयर्स हम लोगों को नजर आएंगे फ्रेया शैडो एली एंड आदित्य की यहाँ पर फाइट होने के चांसेज रहेंगे एंड टीम नंबर फोर्टीन के काफ़ी करीब नजर आएंगे ऐसे इसके माइग्रेस ने अंशु को ख़त्म कर दिया यस एक और फिनिशेज पॉइंट उन्होंने अपने नाम कर दिया तो और तो कोई फाइट होने के चांसेज रहेंगे

आ, अमान ओपी भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि वो पी हेड दिखाएंगे और यस एक हीड शॉट फिर से कनेक्ट करने की कोशिश हम लोगों को सैडों के द्वारा देखने को मिली फिर से स्पॉट कर लिया गया एंड राइट हैंड साइड पर रहेंगे एक शॉट्स कनेक्ट हुआ था किसी और का एंड इसी वजह से उनकी हेल्थ थोड़ी सी कम नजर आएगी बच के रहना पड़ेगा एक और नॉक अगर होता है तो ज़रूर से मुझे लग रहा है कि वहाँ में उनके ऊपर टीम ने वो फॉर्डिंग के प्लस के ऊपर एक रश भी आ सकता है चलो एड्रॉप नजर डाल देते हैं एड्रॉप नंबर थ्री के अंदर हम लोगों को एक एम जी थ्री लाइट मशीन का नजर आएगी एक्सटेंडे क्विक ड्रॉप मैक्स स्नाइपर्स के साथ एंड लेवल थ्री के गेट्स भी है तो चलो देखते हैं कोई उठाता है या फिर नहीं एंड वहीं पे मैं सहना चाहूँगा कि सीधा आर जी की स्क्वार के प्लस के और नरूड भी इनके साथ खेल रहे हैं एंड ये चारों चारों प्लस जन के एज पे यहाँ से जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो शायद टीम नंबर एट के प्लस के साथ अभी उनकी फाइट होने के चांसेस रहेंगे जिसमें टीम नंबर एट में नजर आएगी हम लोगों को जॉकर लॉल समय सेंजेक्स और शूएस तो ये चारों प्लस के फाइट होने के चांसेस रहेंगे जब एक्स ब्लैक ट्यूरी आएंगे या फिर फ्यूशो आएंगे या फिर टीम नंबर ट्वेंटी वन उनके तरफ आगे बढ़ेगी तो शायद फाइट हो सकती है बाकी तो यहाँ पे अभी के लिए एक्स शाडो ने फिर से एक नॉक निकाला है तो ये बंदा बहुत ही ओपी खेल रहा है अभी के लिए एंड uh, सीधा शायद स्लैम हम लोगों को कुछ देखने को मिल सकता है शाडो के द्वारा एंड उनकी इसका प्लेस के, के द्वारा पर वहीं पे सत्यम कहाँ पर सत्यम की पोजीशन देखनी पड़ेगी अभी हम लोगों को क्योंकि एली के काफ़ी करीब हम लोगों को अगर टीम नंबर सिक्स यस नजर आ रही है तो यहाँ पे फाइट होने के चांसेस ज्यादा

मेरे ख्याल से गन गंसे के लिए ज्यादा बेटर रहेगा एक नॉक नहीं निकाल पाएंगे और पूरी तरह से बार पार्ट हो चुके हैं वेलकम टू कैसे हो भाई आपका स्वागत है शिम के अंदर अच्छा रैंक की एक फाइट हम लोगों को यहाँ पे देखना मिल सकते हैं स्कॉर्क स्कॉर्क के प्लेयर्स के साथ एंड देखना पड़ेगा यहाँ पे ये यह फाइट आगे कैसे बढ़ेगी डोबी ने वहाँ पे नूब को नॉक किया था तो यस एक नॉक फिनिशे तो शायद उनको मिल चुका है बट रॉकी भी उसी बीच नॉक हो चुका है और रॉकी को नॉक करने का काम किया है फियॉनिक्स ने फियोनिक्स धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे दूसरे प्लस स्पॉट कर लिया गया शॉर्ट्स उनके ऊपर जाएंगे कवर के अंदर रह के वो शॉर्ट्स लगा रहे एंड देखते हैं कि यहाँ पे कवर को छोड़ के जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो शायद उनके लिए दिक्कतें बढ़ सकती है रॉकी को रिवाज चाहिए गोक उनको रिवाज दे सकता है एंड डॉबी एंड सॉबी को उनको जरूर से कवर फायर प्रोवाइड करना चाहेंगे वैसे बैंक यहाँ पर राइट हैंड साइड से ही फ्लैंक दिखा सकते हैं एंड वहीं पर उनके ऊपर पीछे की तरफ से शॉर्ट्स आ रहे हैं एंड टीम नंबर फोर्टी के प्लेस के ऊपर वो शॉर्ट्स आ रहे थे क्या यहाँ पे ये प्लस ड्रॉक हो सकता है टीम नंबर टू के काफ़ी करीब आ चुके हैं तो यहाँ पर सीधा स्लैब ही देखने को मिलेगा पर नहीं अमान ओपी ने बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे उनको सेफ पोजिशन पर लेके जाने में कामयाब रहेंगे या फिर नहीं शायद ए वेल ओ यहाँ पे किस तरह से बचे सच में मौत से मुख में से बाहर निकल के लेके आया ये बंदा फालूदा यहाँ पे हो चुका है नॉक तो भी के ऊपर भी शॉट जाएंगे उनको भी नॉक कर दिया जाएगा बैंगाई की पोजीशन उनको पता नहीं दी बैंगाई ने बहुत ही अच्छी तरीके से उनको नॉक किया फिनिश भी कर दिया गो अभी भी बाकी रहेंगे सॉविक के साथ फाइट बैंगाई को नॉक कर दिया जाएगा फिनिश जा रहे है वहाँ पे उनको वापर करने के लिए बस सॉविक ने कोई भी गलती नहीं किया और दोनों प्लेयर्स को कदम करके पूरी तरह से उसको को वापट करने में अपना योगदान अच्छी अच्छी तरीके से दिया है तो अभी के लिए रिवाय मिलेगा और वहीं पे ऐसे एस के स्कॉर के प्लेयर्स भी यहाँ पे नॉक होते हुए नज़र आएंगे रॉन एक्स प्रो अभी भी बाकी है मैग्नास ऑलरेडी नॉक पड़े हुए देखने को मिलेगा फ्लेक्सी के, के द्वारा रिवाय दिया जा रहा है पर पीछे की तरफ भी प्लेयर्स आ सकते हैं फ्यूशो अभी भी अल्लाइव नजर आएंगे और सबसे पहले एक प्लेयर खत्म हो चुका है और वह वो बेस सिल्क स्टेप सेंस और और सुपारी गेमिंग धीरे धीरे शायद आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे और ये स्कॉर के ये स्कॉर के पास कितनी अच्छी लूट है ये चीज़ देखनी पड़ेंगी क्योंकि हम लोगों को पता है स्टार्ट हुआ था स्टार्ट से वो फाइट के अंदर एंगेजमेंट थे एंड ज़्यादा लूट करने का उनको मौका भी नहीं मिला था तो देखना पड़ेगा वैसे टीम नंबर टू की फाइट होने के चांसेस रहेंगी सुपारी गेमिंग के काफ़ी करीब से वो लोग गुजर रहे तो सुपर गेमिंग जरूर उनके ऊपर शॉट्स ले सकते हैं नॉक निकाल सकते हैं तो देखना पड़ेगा यहाँ पे उनको जोन के अंदर अभी भी जाना है स्क्वाड में रॉकी हो चुका है नॉक एंड गो कभी भी बाकी रहेगा सुपर गेमिंग के पास मौका रहेगा उनको नॉक करने का तो देखते हैं यस शॉट्स जाएंगे उनको नॉक करने की कोशिश रहेगी बट गो ने सही टाइम पर वहाँ पर गाड़ी के अंदर से उतरने का फैसला लिया सुपारी गेमिंग जो कि जोन के बाहर से अंदर रहना चाहता है मुश्किल रहेगी उनके लिए भी एंड देखते हैं जोन के अंदर पहुँच पाएंगे या फिर तो वहीं पे कॉक की बात करें तो ये बंदा अभी अभी के लिए प्लेयर्स को स्पॉट करना चाहता है जोन के बाहर फिफ्थ जोन क्लोजिंग करने वाला है तो यस हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो जोन का डैमेज होगा वो भी बहुत ही ज़्यादा होने वाला है सुपर गेमिंग राइट हैंड साइड से पूरा अभी के लिए रोटेशन करना चाहता है कोक के ऊपर भी शॉर्ट जरूर से आ सकते हैं ख़त्म कर सकते थे बट बच चुके हैं ये प्लस एंड जरूर से मेरे ख्याल से अभी के लिए जोन के अंदर एंटर भी कर देंगे भाई पे सी एस आस किसको के, के प्लस भी अभी के लिए जो शॉट्स लगा रहे हैं प्लस को नॉक कर पाएंगे या फिर टीम फोर्टी के प्लस के द्वारा उनके ऊपर भी शॉट्स आ रहे हैं ये बंदों के लिए भी थोड़ा मुश्किल सिनारियों देखने को मिलेगा जब ये किसको के ये प्लेयर्स उनके ऊपर शॉर्ट्स लगा दे उनको नॉक कर दे तो बैडे वैसे एस सी एस के रॉन एक्स हो चुके हैं नॉक एंड पूरी तरह से फिनिश भी कर दिया जाएगा उनको एस सी एस में मैगनस एंड फ्लैक्सी अभी भी यहाँ पे अल्लाह नजर आएंगे जोन के काफ़ी करीब फ्लैक्सी पहुँच चुका है बट फिर भी जोन के अंदर एंटर करने से पहले शायद फाइट एक लेनी पड़ सकती है टीम के प्लेस के साथ एंड अगर कवर में से ही जाएंगे या फिर स्मोक करके जाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा उनके लिए भी एस एंड सौरभ की बात करें तो वो शॉर्ट लगा रहा है ये एक्सिस के स्कॉर के प्लेस के ऊपर वो शॉर्ट्स जा रहे थे शिल्क स्क्वार के प्लेस के साथ अभी भी उनकी फाइट हो रही है और ये फाइट में एक, एक प्लेयर पूरी तरह से फिनिश हो चुका है हो चुके हैं नॉक सुपर गेमिंग वर्सेस डोरामी की ये फाइट रहेगी नॉक किया जाएगा यहाँ पे डोरामी को सुपारी गेमिंग के द्वारा भी भी यहां पर आ चुका है सुपारी गेमिंग के पास कोई भी फर्स्ट एड नहीं थी जोन के अंदर जाने की कोशिश बट ये बंदा खत्म हो सकता है जोन के पहाड़ी और फिनिशिश पॉइंट जरूर से वहां पे सामने वाले प्लेयर्स को मिल सकता है सौरव आ चुका है उसी बीच ब्रिज के एरिया में ऊपर की तरफ ही रहेगा ज्यादा बेटर है नीचे की तरफ ऑलरेडी बहुत सारे प्लेयर्स है जो कि आपको खत्म कर सकते हैं चलो फाइनली अच्छी जगह मिल चुकी है उनको पे कर सकता सत्यम सामने पे, बहुत ही कम नजर आएगी शॉर्ट्स लेने पड़ेंगे नॉक निकालने पड़ेंगे शॉर्ट्स उनके ऊपर भी आ सकते हैं टीम नंबर टू के प्लेयर्स जोन के बाहर शायद खत्म हो सकता है पर फ्लेक्सी यहां पे हो चुका है नॉक रिवाइव देना चाहेंगे अपने प्लेयर्स को एंड

पर ये वाला नेट जरूर से मुझे लग रहा है पूरी तरह से स्कॉर को वाइपआउट कर सकता था बट आदित्य को जिस तरह से नॉक निकाला और फिनिश कर दिया के मैग्नस ने कमाल ही कर दिया था यार ये शॉट पे अभी के लिए देखना पड़ेगा फिर से जैसे नेट निकालने के लिए आप आगे बढ़ोगे नेट डालने के लिए आगे बढ़ोगे तो आपके ऊपर शॉर्ट आ सकते हैं नेट तो उनके ऊपर भी आएंगे बट फ्लैक्सी हो चुका है नॉक और पूरी तरह से स्कोर को वाइपआउट करने में कामयाब रहे यहां के प्री फायर के द्वारा ही वहां पर पूरी तरह से स्कॉल वाइप आउट हो चुकी है पर वही भी यहां पे फाइट होने के चांसेस रहेंगे एक्स ब्लैक डरी पानी के

निकल चुके हैं बट वहीं पर समुराई भी लास्ट में उन्होंने भी फैसला लिया कि यार जोन के अंदर चले जाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा पानी के अंदर ये वाला जोन बनता हुआ नजर आएगा पर जो बिंदा ऊपर की तरफ ब्रिज के एरिया में रहेगा उसके पास ये मौका था बट कोई भी ब्रिज के ऊपर नहीं नज़र आ रहा है हम लोगों को सारे प्लेयर्स ब्रिज के अंदर ही नजर आएंगे सिवा टीम एयस एंड सौरभ तो सौरभ को ये बात समझनी पड़ेगी कि यार पानी के अंदर जो ये जो मैच जाएगा तो उसमें सबसे ज़्यादा फायदा हो सकता है एस एंड सौरभ का और चिकन डिनर भी मिल सकता है अगर वो ऊपर की तरफ ही रहेंगे तो अगर नीचे की तरफ रहेंगे तो शादा कदे हो सकते हैं उनके लिए खत्म हो सकता है वो नेक्स एश ओ अभी के लिए यस पानी के अंदर ही हम लोगों को ये जोन जाता हुआ नजर आएगा बट ब्रिज का ऊपर का हिस्सा कुछ है वो अभी भी यहाँ पे हम लोगों को नजर आएगा आ, आ, सर्कल के अंदर देखने को मिल रहा है एंड यस मोस्टली सारी टीम सारे प्लेयर्स हम लोगों को पानी के अंदर ही देखने को मिल रहा है सिवान एक्सप्रेस एश, एश और सौरभ के सौरभ को शायद पता चल चुका है कि ऊपर ब्रिज के कोई भी नहीं है प्लेयर एंड इसी वजह से वो अभी के लिए ऊपर की तरफ जोन के अंदर जाने में शायद आराम से कामयाब होएगा। बट ये ध्यान रखना पड़ेगा उनको यस उनको पता चल चुका है कोई भी टीम नहीं है कोई भी प्लेयर नहीं है यहां पे एंड रहा चिकन उनका ही हो सकता है सिर्फ दो जो फर्स्ट हैं उनको लास्ट में लगानी पड़ सकती है बट यस अभी जो जोन बनेगा इट जोन वो पानी के अंदर ना जाए बस वो पूरा पानी के अंदर जाएगा तो शायद सौरभ के लिए भी दिक्कतें हो सकती हैं अगर नहीं जाएगा तो ठीक है आराम से पर पानी के अंदर भी जाएगा पर दो फर्स्टर्स ही है एक एक मेडिकेट भी ये बंदे के पास नजर आएगी तो इसके साथ तो मुझे तो लग रहा है कि ये बंदा जीत सकता है फिनिशस uh, भले ही नहीं मिल सकते यहाँ पे ये प्लेयर्स को बट uh, एक्स ब्लैक डेरी के पास भी जो लास्ट मौका था वहाँ पे कुछ शॉर्ट्स लगाने का वो भी अभी के लिए खत्म हो चुका है सारे प्लेयर्स का पोजीशन हम लोग देखना चाहेंगे कोई प्लेयर्स यस एक एक uh, मैंने क्लिच तो नहीं बट यस एक ट्राई देखा था ऐसा ही कुछ जो अभी के लिए गॉडविन और नरूडो करना चाहते हैं uh, गॉडविन के ऊपर नरूडो पहुँच के वो शॉर्ट्स लगाना चाहेगा अल्फास्ट शूयर्स के ऊपर ब्लैक डरी के ऊपर और ये चीज़ हो सकता है गॉडविन को नीचे जाना पड़ेगा नरूडो के एंड उसके बाद नरूडो को ट्राई करने पड़ेंगे तो शायद हो सकता है ये चीज अभी भी एंड ये चीज हम लोगों ने एक एक बार मैंने अपनी श्रिम्पी भी देखी थी जब पूरा पानी के अंदर एक जो अंदा एंड जो बोर्ड होती है उसके ऊपर चढ़के शॉर्ट्स लगाए गए थे ऐसे ही कुछ हम लोगों को देखने को मिला था पहले भी तो आज देखते हैं यहाँ पे होता है क्या एंड uh, फिर से शॉर्ट्स लगाने की कोशिश रहेगी फिर से एक ट्राई लगाने का कोशिश रहेगा यहाँ पे प्लेयर्स का एंड uh, हो सकते हैं नीचे जाना पड़ेगा यहाँ पे एंड यस फाइनली यस ये चीज़ देखने को मिलेगी गौरविंग ने शॉर्ट्स लगाए यहाँ पे एक प्लेयर को ख़त्म किया दूसरे प्लेयर्स को ख़त्म करने की कोशिश रहेगी बस यही चीज की मैं बात कर रहा था ये पॉसिबल हो सकता है और ये चीज़ हम लोगों ने छोटे छोटे वीडियो के अंदर ऑलरेडी देखी हुए एंड वहीं पे छुप के बैठे हैं अभी के लिए ब्लैक्स डारी एंड तो हम लोगों को देखने को मिलेगा फिर से चलो पानी के अंदर आ चुके हैं उनको है कि यहां पे ज्यादा देर तक अगर उनका प्लेयर पानी के अंदर रहेगा तो वो भी शायद खत्म हो सकता है एंड यस uh, yes, एक और जगह पे जाने की कोशिश रहेगी यहाँ पे आके सेम चीज़ वो ट्राई करेंगे तो और फिनिश पॉइंट मिल सकता है पर चिकन डिनर तो मुझे अभी भी लग रहा है कि एस एंड के सौरभ का ही हो सकता है वो आराम से यहाँ पे हम लोगों को डांस वांस करते हुए नजर आ सकते हैं उनको पता है कि यार यहाँ पे एक ईजी चिकन डिनर उनके लिए रहेगा जब वो यहाँ पर दो फर्स्ट एड्स लगा सकता है एंड वहीं पर ये जो प्लेयर्स हम लोगों को देखने मिलेंगे वो फर्स्ट एड्स नहीं लगा सकते तो यस फाइनली फिर से हम लोगों को यही चीज़ें देखने मिली एंड ये

फिर तो यहाँ पे ज़रूर से एक और फूहड़ी बन जाती बट रहे बच गए वहाँ पर बच चुके हैं फिर से तो चलो मेरे ख्याल से नाइन्थ जोन बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं गॉड भी इनको यहाँ आवे थोड़ी जल्दी है कि मैं बहुत सारे फिनिशर्स पॉइंट अभी भी अपने नाम करना चाहूँगा क्योंकि उनको पता है कि शायद ये चिकनर ऊपर जो प्लेयर है उसका हो सकता है एंड उनको शायद चिकनर नहीं, नहीं मिल सकता बट यस फिनिश मिल सकता है एक फिनिशेज उन्होंने निकाले ऐसे ही पानी के अंदर ही रह गए एंड उसके बाद और दूसरे दो फिनिश भी उनको चाहिए देखते हैं नाइन्थ जोन क्लोजिंग करना कब स्टार्ट करता है एंड सौ रुपया कहा से फिर मतलब वो तो आसानी से यहाँ पे जिकने लेने वाले हैं उनके लिए तो कोई भी मुश्किल ही नहीं रहेगी मैं देखना चाहूंगा यहाँ पे नरूडो का पोजिशन परस्पेक्टिव वो ट्राई करना चाहता है यहाँ पे गॉडविन को ऊपर की तरफ उठाने का जिससे एक्स ब्लैक डरी को वो खत्म कर सके एंड वहीं पे शायद नरूडो सोच रहा है कि कोई अलग जगह पे जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा यहाँ से शॉर्ट्स भी नहीं कनेक्ट कर पाएंगे तो वो ज्यादा दिक्कत देगा यस फाइनली फिर से हम लोगों को देखने को मिलेगी कॉर्ड शॉर्ट्स लगाते हुए देखने को मिल सकते थे चलो फिर से यहाँ पे मौका रहेगा उनके पास यस फाइनली अभी के लिए ऊपर की तरफ आ चुके हैं तो यहाँ से शॉर्ट्स जरूर से लगाएंगे यहीं पे रहना है थोड़ी देर के लिए जैसे स्पॉट किया जाएंगे प्लेयर्स को तो यस खत्म कर सकते हैं आल्फा शूएस फाइनली स्पॉट हो चुके हैं बट कॉल को शॉट्स लगाने पड़ेंगे नीचे की तरफ नहीं ऊपर की तरफ जो भी प्लेयर्स के सामने बट फाइनल चलो उन्होंने फिर से यहाँ पे मौका खो दिया तो कोई नहीं चलो फिर से देखेंगे हम लोग यहाँ पे होता है क्या? एंड नाइन्थ जोन यस छः सेकंड के बाद यहाँ पे ये जोन क्लोजिंग करने वाला है एंड फिर से शॉर्ट्स की आवाज़ें हम लोगों को सुनाई दी आल फास्ट को भी ख़त्म किया जाएगा कॉर्बिन के द्वारा एंड यस जोन जैसे ही क्लोजिंग कर चुका है तो यहाँ पे भले ये प्लेयर्स जाएंगे बीच में बट एस एन सौरभ जैसे ही यहाँ पे बीच में जाएगा एक आधफर्स लिगेड लगाएगा और ये चिकन एयर उनका हो चुका है कॉर्डिन खत्म हुआ दूसरा प्लेयर खत्म हो चुका है और फाइनली सौरभ को ही मिला है ये चिकन डिनर ब्लैक ब्लैकडेरी जैसे ही ख़त्म हुआ मुझे एक सेकंड के लिए मेरे को भी ऐसा लगा था कि यार इसकी फर्स्ट जो है वो कंप्लीट शायद नहीं हुई बट नीचे जो भी प्लेयर था वो खत्म हो चुका है इसकी वजह से उनको चिकन डिनर बहुत ही ओपी तरीके से मिल चुका है एंड यस ऊपर रहने का एक फ़ायदा तो सौरभ को मिला है पाँच फिनिशर्स टोटल निकाले दो फिनिशर्स फिनिशेस उभारी के और सात फिनिशर्स का ये चिकन डिनर उनका हो चुका है बहुत ही मज़ा आया तो यार ये गेम बहुत ही ओपी था मेरे ख्याल से सेकेंड पोजिशन में हम लोगों को uh, एक्स ब्लैक के डरी ब्लैक पीश उज्ज्वल और पुजर नजर आएंगे टोटल सात फिनिशर्स के साथ थर्ड पोजिशन में हम लोगों को नरूडोक आर्डविन सरक्स और रेस नज़र आएंगे चार फिनिशर के साथ फोर्थ पोजिशन पे समुराय श्रोश जॉकलिक्स नजर आएंगे एक फिनीस के साथ फिफ्थ पोजीशन पर सत्यम एक्सर शो और आदित्री नजर आएंगे टोटल आठ फिनिशर के साथ सिक्स पोजिशन पे एसी एस के मैग्नस पीस टोपी और फ्लैक्सीजर फ्लैक्सी और रोनेक्स नजर आएंगे टोटल ग्यारह फिनीश के साथ सात फिनिशर मैगनस के उससे देखने मिलेंगे सेवन पोजिशन पे एक्स के डोपी पनेशर कॉम्बैट और डोना में नजर दो फिनसर्स के साथ दो 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 फिनसर्स मिले अमान एविलोपी और जैनॉक्स को कि मैं एक्समस बोल रहा था पता नहीं यार मैंने देखा ही नहीं जैनॉक्स नाम है ये मैं देखा उसके बाद तीन फिनेस जो के सौविक के चार फिनेस एक फिनेस का नजर आएगा तीन फिनेस फ्यूशियो के नजर आएंगे एक फिनेस फ्योनिक्स का नजर आएगा उसके बाद दो फिनीसोहम के दो फिनेस आई ची एल क्लच के नज़र आएंगे दो सीजर के नज़र आएंगे एक फिनेस ट्रैवल का नजर आएगा और सी के बिलजैक सो भी को मिला एक फिनेस बाकी के प्लस के जीरो फिश नज़र आएंगे बट आज बजाया गया ये ये वाटर सिटी का जो जोन था काफ़ी बढ़िया था ऐसे इसके मैगनस नज़र आएंगे हम लोगों को सात फिनीस के साथ ऑल आउट गोइंग ऑल आउट के अंदर हाइएस फिनेस में डैमेज उनका है नाइन फिफ्टी वन का और चार रिवाइव पेश कैंपेनियन के रूप में ओके नज़र आएंगे हम लोगों को चार रिवाइव के साथ तो इस कैसा लगा आपको ये वाला गेम यार मज़ा आ गया कि नहीं मैं मज़ा आया वो बताओ पहले तो एंड जिस तरह से यार गॉडविन uh, ने वो शॉर्ट्स लगाए थे आप तो यार वो तो मज़ा आया सबसे ज़्यादा जो मज़ेदार चीज़ थी आज के ये गए गेम के अंदर तो मेरे तरीके से तो वो ही था यार गॉडविन ने वो टिप्स एंड ट्रिक्स का रियल में यूज़ किया यहाँ पर और बहुत ही तरीके से एक फिनिशेज पॉइंट नहीं दो तो फिनिशेज पॉइंट वहाँ पर निकाले थे सेंसिक्स को भी ख़त्म किया और उसके पहले भी एक प्लेयर को ख़त्म किया था उन्होंने तो यस फाइनली यहाँ पे पहला गेम खत्म हो चुका है और मेरा टाइम हुआ एक छोटे से ब्रेक पे जाने का पर दस लोग अभी भी देख रहे हैं तो गाइज़ लाइक जरूर से कर देना वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर से एंड यस आप अपना पी ओ वी भी अभी के लिए देख सकते हो ट्राई किया है सारे के सारे प्लेयर्स का मैं पी ओ वी दिखा सकूँ बट वो तो शायद पॉसिबल नहीं हुआ है मैं आई एम मुझे बताया बट उसके लिए सॉरी बट यस देख लो अगर ठीक से पी ओ वी है तो आप देख सकते हो वहाँ पर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना गाइज़ तो चलो जाता हूँ मैं एक छोटे से ब्रेक में गाइज और जैसे ही अपना सेकंड गेम का आईडी पासवर्ड आ जाता है तो फिर से आपके सामने अपना दूसरा गेम लेके आ जाऊंगा तब तक के लिए बाय बाय गाइज Are you a finance professional or an accounting student, but not so sure of your career options? How about US CPA? You'll be intrigued to know that the big four. हेलो गाइस तो फिर से आ चुके हैं हम लोग आपके सामने अपना सेकंड गेम लेके जो कि होने वाला है मेरा मार का मैच एंड क्या यार बढ़िया मैच हम लोगों को देखो मतलब लास्ट वाला एंड क्योंकि जोन इतना ओपी था इतना ओपी परफॉर्मेंस हम लोगों को टीम्स के द्वारा भी देखने को मिला एंस उसको के प्लेयर्स ने जरूर से जीखा था पर uh, हम लोगों को प्रभावित किया वहाँ पे गॉडविन ने जो कि अपने टिप्स एंड ट्रिक्स से uh, कुछ शॉट्स लगाए दो प्लेयर्स को ख़त्म भी किया था तो यस हम लोगों को कुछ नया हम लोगों को फाइनल बहुत दिनों के बाद ऐसा कुछ अलग देखने वाला तो ज़रूर से ये वाले गेम के अंदर भी हमारी नजर आएगी यहाँ पे सारे प्लेयर्स के ऊपर कि वो इस बार क्या कुछ अलग करके यहाँ पे हम लोगों को दिखा दें तो हरी गेम में आ, हर बार तो यार अलग तो पॉसिबल होता नहीं है बट यार ऐसा ही जब जॉन जॉन के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है हम लोगों ने देखा है जॉन जब जॉन जब भी आ, कुछ अलग तरीके से होता है कटता है तो हम लोगों को हमेशा से कुछ अलग ही गेम पूरा देखने को मिलता है और लास्ट गेम पूरा ऐसा ही कुछ हम लोगों को देखने को मिला तो चलो देखते हैं ये वाले गेम के अंदर होता गया एंड अभी के लिए 64 प्लेयर्स हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं बाकी प्लेयर्स भी बहुत ही जल्दी आ जाएंगे टाइम हो चुका है दोस्त तो बज के नौ मिनट तीन लोग अभी भी देख रहे हैं गाइस लाइक जरूर से कर देना वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना वन के का सब्सक्राइबर गोल्स है हमारा तो फटाफट से यार गाइस थोड़ा हेल्प कर दो और फटाफट से हम लोगों को वन तक पहुँचा दो बाकी एक और चीज़ मैंने देखा है कि जब आईडी पासवर्ड आया था तो उसके अंदर नीचे लिखा हुआ था एक नॉट के रूप में कि साउंड विजुअलाइजेशन ऑफ है प्लस ए मारसिस्ट ऑफ़ है तो यस जो बात हो रही थी जब मैं फ्राइडे फ्राइडे को जब मैं आया था स्ट्रीम कर रहा था तब एक प्लेयर ने मेरे को बोला था वहाँ पे चैट के अंदर कि आप एम असिस्ट को ऑफ करने के लिए बोलो मैंने नहीं बात किया सच मैं बता रहा हूँ बट यस बात पहुंच गई है हमारे मैनेजमेंट तक एंड उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि ये भी अभी ऑफ़ ऑफ रहेगा और प्रैक्टिस की जाएगी ऐसे ही आ, वो एक अच्छी बेहतर प्रैक्टिस देंगे यहाँ पे जो भी प्लेयर्स खेल रहे हैं उनके लिए और साउंड विजुअलाइजेशन को भी ऑफ किया जाएगा तो यस उसी के साथ अपने ये मैसेज हो रहे हैं एंड थोड़ा सा टफ रहता है साउंड विजुलाइेशन जब नहीं होता है तो थोड़ा सा टफ़ रहता है प्लेयर्स कहाँ से शॉट्स लगा रहा है तो वो ज़्यादा हम लोगों को मैप के अंदर पता हम लोगों को नहीं चलता है तो वो सारी चीज़ें हम लोगों को हेडफोन्स से अपने मैनेज करनी पड़ती तो यस जिसके पास एक डिसेंट हेडफोन्स होगा वो अच्छा परफॉर्म यहाँ पे कर ही पाएगा वो पक्का है जो लोग के पास हेडफोन्स के बिना खेलते हैं या फिर मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि यार हमारे पास ठीक ठाक हेडफोन्स नहीं है जिसके अंदर हम लोग फुट मार्क्स नहीं पहचान पाते तो उनके लिए थोड़ा टफ़ रहेगा कई लोग वैसे होते हैं ना वो सीधा वो मैप के अंदर जो लोगों को फूड्स आते हैं ना उसके ऊपर से खेलते हैं तो ये थोड़ा वो लेट हो जाएंगे उस मामले में आ, क्योंकि वैसे भी साउंड रेजुलेशन आएगा नहीं उनको पता नहीं चलेगा अगर उनके पास हेडफोन्स नहीं है तो बाकी ए मास स्टॉफ है तो यस वो भी दिक्कत हो हो सकती है यहाँ पे प्लेयर्स के लिए तो थोड़ा सा टफ़ रहेगा जो भी जिनके पास जो डिवाइसेस हैं वो ज़्यादा महंगे नहीं है अच्छे नहीं हैं डिवाइसेस तो यस थोड़ा डिफ़िकल्ट उनके लिए भी रहेगा बट यस प्लेयर्स यहाँ पे बहुत ही ओपी है एंड वो उससे भी मैनेज करना जानते हैं कि एम आस टॉफ है फिर भी हम लोग को पैटा खेलना है तो हम लोग कैसे खेलेंगे तो यस वो सोच रहे होंगे और उसके ऊपर उन्होंने काम भी कर दिया होगा अभी तक चालू तेरह लाइक्स हो चुके हैं एंड लाइक का हम लोग एम रखेंगे ट्वेंटी का तो गाइज जरूर से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना टाइम हो चुका हो चुका है दस बज के तेरह मिनट तो गेम अभी बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है एंड ऑलमोस्ट दो या तीन मिनट होता है टाइम और लेट बट उसके बाद तो अपना ये गेम हो जाता है स्टार्ट एंड ये वाला मैच भी अभी बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो सकते हैं तो देखेंगे मीराबार्ग का मैच कैसे चलता है कौन सी टीम यहाँ पे चिकन निकालेगी एंड uh, की भी आज की बात अगर की जाए तो अगर ओपन में जोन बना तो सब सही रहेगा मेरे ख्याल से बट अगर मीरा मार के अंदर कोई आ, जो अपना हॉट ड्रॉप एरिया लॉस निवास का एरिया हो गया ऐसा कुछ सिटी के एरिया ने अंदर हमारा लास्ट जो लास्ट सर्कल बना तो फिर मेरे ख़्याल से वहाँ पे प्लेयर्स के लिए दिक्कत हो सकती है एंड वो थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है एंड वही चीज़ अगर यहाँ पे बात की जाए इराइल में बिल्कुल उल्टा है कि अगर ओपन में बनता है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है एंड अगर सिटी एरिया में बनता है तो फिर वहाँ पर चलो मैनेज हो सकता है प्लेयर्स वहाँ पर खेल सकते हैं एंड मीराम बिल्कुल उल्टा मैप है तो चलो देखते हैं यहाँ पर मीराम के मैच ने अंदर हम लोगों को सर्कल कहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा और प्लेयर्स को उस हिसाब से कैसे खेलते हैं तो फाइनली गेम तो अपना स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे तो बताओ गाइस क्या लगता है ये वाले गेम के अंदर चिकन डिनर कौन निकालेगी कौन सी टीम यस आप अपनी टीम का भी नाम दे सकते हो और मैं वही कॉन्फिडेंस देखना चाहता हूँ कि आपके पास वो कितना कॉन्फिडेंस है अपनी टीम के ऊपर अपने ऊपर चिकन के लिए अच्छा चिकन चिकन डिनर के लिए ओके टोटल हमारे साथ सिर्फ सेवेंटी वन प्लेयर्स हैं, शायद नहीं शायद और थे सेवेंटी फाइव प्लस तो प्लेयर्स हम लोगों ने देखे थे बट पता नहीं फिर एग्जिट हो गया हो तो जी भी सैम सैंडी अचय क्या बात है तो आज देखेंगे आर जी बी की स्कॉर्ड कैसे खेलती है तीन प्लेयर्स के साथ खेल रही है नई टीम हम लोगों तो ने बहुत ही कम देखा है ये टीम को खेलते हुए प्लेन पर हमारा आ चुका है और वो जा रहा है प्लेयर तो प्राइस हो सकते कि लाखों विराट और के बीच में कहता हैं तो खुद हुआ आ, देखने को मिलेगा हम लोगों को लॉस एस काफ़ी करीब है आराम से प्लेयर्स पहुंच सकता है और मुझे लग रहा है यहाँ पे चार या पांच टीम्स भी आराम से सर्वाइव कर सकती है रुक सकती है एंड जाएगी मुझे तो लग रहा है इम्पाला जरूर से प्लेयस जाते हुए नज़र आएंगे प्लेयर तो प्राइजो एक आध दो टीम्स जा सकते हैं रावन की स्कॉके प्लस सबसे पहले उतरते हुए नजर आएँगे फालूदा मैन का इनोवर लूसीफर और वो लोग थोड़ा साउथन पार्ट पे ओके छोटे छोटे कंपाउंड्स की तरफ आगे बढ़ते हैं नजर आएँगे जरूर से उनको बताया कि यार स्टार्टिंग कैम के अंदर उनको अपने प्लेयर्स को खोना नहीं है डी डब्ल्यू एस की स्कॉके प्लस भी अभी के लिए लॉस लॉस के तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं बट पूरा मिड में नहीं जाएंगे और शायद ईज में रुकना चाहेंगे छोटे छोटे कंपाउंड्स लुटेंगे और अगर वहां पे फिर आगे फाइट होती है तो फाइट के अंदर शायद एंगेजमेंट ले सकते हैं बहुत बड़ा एरियाज है यहां पे एंड वहीं पर डीडब्ल्यू एस के टेबल भी उसके एज पे ही रुकना चाहेंगे मिड में तो नहीं जाना चाहेंगे पर मिड के अंदर जरूर से हम लोगों को आरबी के स्कॉ के प्लस जाते हुए नजर आ सकते हैं आरबी के वाइपर ओपी भी सलमान मार्गस हो भी वाइपर ओपी ये चारों के चार प्लेयर्स खेलते हुए नजर आएंगे एंड लूट तो वो बीच बीच करेंगे आसपास जो भी टीम्स रहेगी फाइट जरूर चलेंगे एस एस के स्कॉ के प्लेस तीसरी टीम रहेगी जो कि यहां पे हम लोगों को देखने को मिलेगी और बीच के करीब भी जा रहे हैं क्या ट्रॉनिस्टर को पता है यहाँ पे और प्लेयर्स हैं उनके काफ़ी करीब अगर पता है तो जरूर से मेरे ख्याल से उनको नॉक करना चाहेंगे खत्म करना चाहेंगे अगर नहीं पता है तो जरूर से मेरे ख्याल से पीछ उनको ख़त्म कर सकते हैं पीस के पास वो मौका भी रहेगा उनके पास गन के अंदर एक वी एस एस रहेगी एंड दूसरी भी वी एस एस दो वी एस एस कैसे मिल सकती है एक ही घर में वैसे दूसरी ने तीसरी भी वी एस एस मिल चुकी है जरूर से बीच यही चीज बताना चाहेंगे अब वो सोच रहे होंगे कि यार इतनी सारी वी एस एस का मैं करूँ तो करूँ क्या वी एस एस के भी हम लोगों को कुछ करते थे ऐसे आलोक की बात थी जब रिस्क आलोक और सारे तीनों प्लेयर्स यहाँ पे अभी, अभी के लिए अपनी ट्रिपल सेटर जो कि हमारा वो क्या बोलते हैं सखाराम के अंदर बैठ के जाते हुए नज़र आएंगे हम लोगों को उनके पीछे भी अभी के लिए प्लस जाते हुए पैकाड़ो के एरिया में फाइट स्टार्ट हो चुकी है एंड देखेंगे ये फाइट में होता क्या, क्या है क्योंकि यहाँ पे फाइट तो स्टार्ट हुई थी आदित्य को नॉक किया गया था पर अभी के लिए आदित्य हम लोगों को लाइव तो नजर आएंगे एंड देखते आगे की फाइट वो कैसे लेते हैं आर सी बी किसको आगे प्लस भी यहीं पर नज़र आएंगे पूरी तरह से फिनिश हो चुके हैं सुकुना ने वहाँ पर एक नॉक निकाला है चलेंगे सीधा हम लोग यहाँ पे आलो के परसपेक्टिव पे असुर हो चुका है नॉक असुर को जरूर फिनिश किया जाएगा वो तो पक्का है बट वहीं पर सिसान जरूर से यहाँ पे निकलने में कामयाब हो तो यहीं पे मेरे ख्याल से और टीम्स के ऊपर तो चलेंगे और वहां पर फाइट होने के आएंगे एंड वहीं पर उनके सामने टीम के प्लेयर्स देखने को मिल रहा स्टेप सुपारी गेमिंग यश और सौरभ लास्ट गेम बहुत ही यूपी गेम प्ले बहुत ही योगी तरीके से यहाँ पे सौरभ ने चिकनेरा भी दिखाया था अपनी टीम को एंड यही जो लास्ट गेम में उनका कॉन्फिडेंस था उनका जो है

नाक उन्होंने भी कर दिया आकीफ होगी हो चुका है नाक दूसरी प्लेस के ऊपर शॉट जरूर से जाना चाहिए उनको भी नाकने के ऊपर कोशिश रहेगी क्योंकि वहाँ पे उनकी हेल्थ काफी कम नजर आएगी उनके ऊपर भी काफी ज्यादा शॉट्स कनेक्ट हो चुके हैं पनिशर को यहाँ पे फश लगानी पड़ेगी पनिशर को यहाँ पे बैंडेजेस लगानी पड़ सकती है तो देखते हैं यहाँ पे और कोई जगह पे फाइट के चांसेज यस यहाँ पे सी की स्कोर के प्लेस की ऑलरेडी फाइट चल रही है जहां पे बिलजैक सो भी कुछ शॉट्स लगा रहे थे मार्सेल अकेला प्लेयर बाकी रहेगा स्कोर की तरफ से काफी दूर रहेंगे उनसे और उनकी स्कॉर के बाकी ये प्लेयर प्लेयर्स हैं इसी वजह से उनके दोनों प्लेयर्स खत्म हो चुके हैं तो मार्सेल और अकेला प्लेयर कितनी देर तक सर्वाइव कर पाएगा वो देखना पड़ेगा एंड कितने फिनीस पॉइंट और अपने टीम में एड कर पाएगा परीक्षा की बात करें चूंकि यहाँ पर शॉट्स लगा रहे थे एक नॉक निकाला था फिर से क्लोजिंग कर रहे हैं वहां पर क्लोज रेंज की बीस गन वहाँ पर उन्होंने अपने हाथ में भी ले लिया है पर शॉर्ट्स आ सकते हैं उनके ऊपर सोहम के द्वारा भी सोहम के पास एक मौका भी अच्छा है चाहे वहां पर उनके पास हाइट का एडवांटेज भी नजर आएगा आकीफ ओकी ओपी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं ओपन में रहेंगे दिक्कतें पर आ सकते हैं और सुगुना और आकीफ दो प्लेयर्स जब एक साथ आए यहां पे और पनिशर को भी नॉक कर दिया जाएगा पनिशर को पनिश किया जाएगा यहां पे अकेले प्लेयर जो आए थे अपनी टीम की तरफ से यहां पे फाइट लेने के लिए उसके लिए एंड कॉम्बैट अकेला प्लेयर बाकी रहेगा एंड देखना पड़ेगा कॉम्बैट कितनी देर तक सर्वाइव कर पाएगा

कोशिश रहेगी पर शॉर्ट्स उनके ऊपर आ रहे हैं उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत ही कम एचपी में ये बंदा बच चुका है अभी के लिए आ, रिलोड करेगा और उसके बाद फर्श लगा के फिर से शॉर्ट लगाने की कोशिश रहेगी वन वर्स ये फिर से सिनारियों नजर आएगा और इसके बाद फिर से यहाँ पे एक आध नॉक्स निकालने की उनकी कोशिश रहेगी एक बार फिर वहां पर प्लेयर्स को खत्म करने की कोशिश उनकी रहेगी पर इस बार जरूर से आर डब्ल्यू एलव कोई भी प्लेयर्स ओपन में रहना पसंद नहीं करेंगे उनको पता है कि यहाँ पर और प्लेयर भी मौजूद है चलेंग सीधा सी के मार्सेलो के ऊपर हम लोग जाना चाहेंगे आ, वो भी खत्म हो चुके हैं मेरे ख्याल से पूरी तरह से स्कॉल को वर्कआउट करने में कामयाब रहे इस बुजर्ग को वो यहाँ पे नॉक किया गया था पर अभी के लिए रिवाइवल मिल चुका है तो हम लोग पैकाड़ो की तरफ देख लेते हैं कि पैकाड़ो की तरफ हालत क्या है अभी के लिए क्योंकि दो टीम्स के बीच में यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो चुके हैं हाइपरअल्फा हुआ है नॉक ना एक्सरसाइज हो आदित्य यहाँ पर आ चुका है सत्यम के साथ ये फाइट रहेगी एक और नॉक निकालने की कोशिश अजय हो चुका है यहाँ पर नॉक दूसरे प्लेयर्स को यहाँ पर नॉक करना चाहेंगे खत्म करना चाहेंगे सैम अकेला

હા આવવાનો પણ હવે થોડી વાર રહીને કારણ કે મારી ગેમ ચાલુ થઈ ગઈ છે તો એટલે મિનિટ મિનિટ હજુ થશે હા એમને કહો કે બનાવે એવું હા ના ના કરાવો ને વાંધો નહીં નહીં તો એક કામ કરો બનાવી દો તમે પી લો અને પછી હું ગરમ કરવા ગરમ કરી પી જાય હા એક હા सॉरी गैस फोन था अगर पापा का फोन नहीं उठाऊंगा ना तो वो घर से बाहर निकाल देंगे मेरे को पर वो तो मेरे लिए अच्छा फ़ोन था चलो फाइनली चलो हम लोग चलेंगे यहाँ पे एक और फाइट के ऊपर क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को टी एफ टीके कैंडी पाटेस ओपेगा एंड क्रेजी ओपी नजर आएंगे हम लोगों को तो चलो यहाँ पे कुछ नाम में चेंजेस भी हम लोगों को देखना मिल रहा है नई टीम ये जो है ये टीम पुरानी है हमारी टीम है बट नेम चेंज करके आ चुके हैं एंड वो लोग आ चुके हैं टीम नंबर सिक्स के प्लस के साथ फाइट लेने के लिए जो कि बहुत ही डिफिकल्ट हो सकती है जैसे कि मैंने बताया टीम नंबर सिक्स जो कि है थे हमारा उनके के प्लाज उनके अपने ड्रॉप लोकेशन पे उनकी जगह पर वो किंग रहे एंड यहाँ पे अब ये ये जगह पर उनको ख़त्म करना बहुत ही मुश्किल रहेगा डी डब्ल्यू एस की स्क्वा प्लेज की एक फाइट जरूर से देखना मिली है एंड वो फाइट जरूर से यहाँ पर हुए तो चलेंगे हम लोग सीधा रेवन के स्कॉरके प्लस के साथ जब डी डब्लू एसॉर के, के प्लस की फाइट हो रही है उसके अंदर और देखना चाहेंगे यहाँ पे डी डब्ल्यू एस में हम लोगों को बीच अभी भी अलग नजर आएंगे क्लच आई जी एल क्लच भी नजर आएंगे और रेबल नजर आएंगे एक प्लेयर डार्क नाइट पूरा उनकी तरफ से खत्म हो चुका है एक नॉक भी निकाला था लूसीफर को यहां पे नॉक करने की कोशिश रहेगी लूसीफर के पास हम लोगों को एक जब स्नाइपर नजर आ रही है तो यार ये बंदे का परस्पेक्टिव देखना ही पड़ेगा हम लोगों ने लास्ट गेम के अंदर भी एक ए डब्ल्यू एम का शॉर्ट देखा था और इस बार भी देखना चाहेंगे बीश को नॉक करते हुआ लूसीफर को तो ये प्लेयर्स अभी के लिए पिक नहीं करना चाहते एग्जैक्ट लोकेशन क्या रहेगी पिक की वो समझनी पड़ेगी यहाँ पे लूसीफर को प्लेयर्स को स्पॉट करना पड़ेगा नेक्स्ट नेक्से शोपी ने वहाँ पे एक नॉक निकाल लिया है फाइट स्टार्ट हो चुकी है क्रीजी ओपी हुआ है नॉक ओमेगा वाई टैक्स अभी भी बाकी रहेंगे वाई टैक्स हो चुका है नॉक और पूरी तरह से स्कॉल को वाइप आउट करने में कामयाब रही गया है टीम नंबर सिक्स यहाँ पे वाइप आउट हो सॉरी टीम नंबर सिक्स ने प्लेयर्स को वाइप आउट कर दिया है एक साथ दस सेकेंड्स के अंदर पूरी तरह से दस सेकंड्स भी मेरे ख्याल से नहीं हुए होंगे चार या पाँच सेकंड्स के अंदर पूरी तरह से टीम को आउट करने में कामयाब रही है इस तो यस यही मैं बात कर रहा था कि ये स्कोर को अपने ड्रॉप लोकेशन पर हराना बहुत ही मुश्किल होता है ओके okay, के ऊपर शॉट्स आए थे बिश के एग्जैक्ट लोकेशन पता चल चुकी हैड शॉर्ट के लिए रेडी ऑनल ने वो हेड शॉट लगा लिया है पैस को वहां पे नॉक कर दिया जाएगा आइजअल क्लच जरूर से वहां पे रिवाइव देना चाहेंगे वहां पे अपने प्लेयर्स को थोड़ा मुश्किल रहेगा पर रिबल किधर है रेबल भी काफी गर्भूस रहेगा दूसरे प्लेयर से एंड यहां से बिश को वो रिवाइव दे पाए ऐसा तो मुझे लग नहीं रहा है तो क्लच के पास ही वो मौका रहेगा क्लच ही वो करना पड़ेगा क्लच को ही इनको रिवाइव देना पड़ेगा यह सिक स्मोक किया गया था एंड जरूर से कवर बना के अपने प्लेयर्स को रिवाइव देने

पॉइंट लेने के लिए आ चुके हैं पर रेबल के पास मौका रहेगा ल्यूसीफर को फिर से नॉक करने का क्योंकि यहां पे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है लूसीफर को रेबल की पोजिशन का एंड जैसे ही मेरे ख्याल से यहां पर उनको पता चलेगा थोड़ी देर हो सकती थी चलो फाइनली रेबल ने अभी के लिए शॉट्स नहीं लगाए पर एस एस के फ्लैक्सी ने ज़रूर से शॉट्स लगाए एंड नीड़ के द्वारा वहां पे एक प्लेयर को नॉक कर दिया है वो ज़रूर से लॉस निवास के एरिया में फ़ाइट हुई होगी पर क्या फ़ाइट वो अंजाम तक जाएगी या फिर लेट तक फाइट वो चलती जाएगी क्योंकि लॉस निवास के एरिया ऐसा ही है कि वहाँ पर फ़ाइट बहुत देर तक चलती रहती है सर पैकेड़ो में वैसा ही कुछ सीन हम लोगों को हमेशा से देखने को मिलता है आज जल्दी से फाइट खत्म हुई थी पैकेडो के एरिया में वहीं पर टीम नंबर नाइनटीन की ज़रूर से एक फाइट यहाँ पर देखने को मिल सकती है जेनॉक्स अमानोबी और एविलोबी की ये फाइट रहेगी और काफी करीब टीम नंबर एट के प्लेयर्स हम लोगों को नजर आएंगे तो चलो देखते हैं ये फाइट होती है क्योंकि जैनॉक्स काफी करीब है टीम नंबर एट के प्लेयर्स है बिल्कुल भी उनको आइडिया नहीं होगा कि उनके पीछे टीम नंबर एट के प्लेयर्स आ चुके हैं एंड जैसे उनको पता चलेगा तो शायद उनके लिए थोड़ा दिक्कत भरा हो सकता है बूजर जरूर से कर सकते हैं यहाँ पे बूजर की पॉजिशन जैनॉक्स को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है शॉर्ट्स आएंगे तब पता चलेगा शॉर्ट्स आएंगे उनके ऊपर भी बूजर को करने की कोशिश अच्छी खासी थी पर फाइनल यहाँ पे जैनॉक्स हो चुका है नॉक एंड वहीं भी उनके बाकी के प्लेस अलग टीम के साथ फाइल लेने में शायद बिजी हो सकते हैं क्योंकि काफ़ी गरीब हम लोगों को गॉडविन और उनकी स्क्वा के प्लस आर की स्क्वा के प्लस भी यहाँ पर आते हुए नजर आएंगे तो हम लोग चलेंगे सीधा लॉस के एरिया में और देखना चाहेंगे यहाँ पे फाइट स्टार्ट हुई थी वो फाइट अंजाम अभी कैसे आता है उनका पर फ्लैक् क्या ही बढ़िया तरीके से आरबी के वाइपर ओपी ने नॉक कर दिया है एक तरफ से सलमान जरूर से जाएंगे नॉक करने के लिए प्लेयर्स को एंड उनके पास मौका रहेगा वहां पर नॉकर सलमान हो चुका है की काफी कम नजर आएगी और गेम्स ने यहाँ पे बहुत ही तरीके से पूरी तरह से स्कॉल को वाइप आउट कर दिया और खत्म कर दिया जाएगा यहाँ पे स्कॉल को एक फिशिंग पॉइंट उन्होंने अपने नाम भी एड कर दिया है टीम नंबर नाइनटीन उसी बीच पूरी तरह से वाइप आउट हो चुकी के एंड टीम नंबर 11 के प्लेयर्स को यहां पे जरूर से एक फायदा मिला है एक एयर ड्रॉप का एयर ड्रॉप जरूर से उन्होंने उठा लिया है यहां पे देखते हैं आदित्य के पास एक और प्लेयर है आई फ्यूरी ओके फ्यूरी ने यहां पे एक जो गन हम लोगों को उनके पास नजर आएगी वो है एम क्या बोलते हैं मैं भूल गया लाइट मशीन गन एम जी थ्री लाइट मशीन गन ओके तो ये नजर आएगी हम लोगों को एंड उसके सिवा फाइड यहाँ पे भी होगी टीम नंबर ट्वेंटी डी के प्लेयर्स की श्रेयास के ऊपर शॉट्स आ, आ सकते हैं एंड शायद उनको नॉक किया जा सकता है या फिर नहीं शॉट्स आ रहे बट येस yes, थोड़ा रिव्यूअल रहेगा उनको नौकरी का एक्स ब्लैक भूजर ने वहाँ पे नॉक निकाल लिया टीम नंबर नाइन के प्लेयर्स के साथ इस बार उनकी पाए रहेगी कॉर्विन हो चुका है नॉक लास्ट गेम बहुत ही उपी था उनका पर अभी के लिए रेज भी हो जाएंगे नॉक पर सामने दो प्लेयस को उन्होंने नॉक भी कर दिया है आर का एक प्लेयर रेज ख़त्म भी हो चुका है और का इनका परसपेक्टिव से देखेंगे उनके बाकी के दोनों प्लेयर्स है कहाँ पर उनसे काफ़ी दूर नजर आएंगे एक प्लेयर वैसे भी उनके काफ़ी करीब पहुँचना चाहता है मुश्किल रहेगा उनके लिए भी यहाँ पर अपने प्लेयर्स को भी बचाना और पूरी तरह से सामने वाली टीम को ख़त्म भी करना अगर वो भी स्क्वाड हो गए तो तो फिर उनके लिए भी दिक्कतें बढ़ने वाली है और ज़रूर से थोड़ा बहुत उनको गाइड कर सकता है कि यहाँ पे एग्जैक्ट पोजिशन है प्लेयर्स के आप शॉर्ट्स लगाओ बट एग्जैक्टली तो यहाँ पे उनको ही सोचना पड़ेगा समझना पड़ेगा चार प्लेयर्स को स्पॉट करना पड़ेगा शॉर्ट्स जा सकता है वहाँ पे नॉक निकालने के लिए एक नॉक निकाल सकते थे मौका था टैप शॉर्ट्स होते ज़्यादा बेटर रहता बर्श मोड में था एंड इसी वजह से वो थोड़ा जो उसका बर्स का जो क्या बोलते हैं रिकॉल उसकी वजह से शायद उनके लिए भी थोड़ा दिक्कत हो गया चलो अभी के लिए देखते हैं यहाँ पे आगे की फाइट कैसे होती है बट ब्लैक स्टॉम जरूर से आ चुके हैं यहाँ पे फाइट लेने के लिए एक नॉक निकालने की कोशिश रहेगी बट ब्लैक स्टॉम के पास मौका रहेगा यहाँ पे एक प्लेयर को नॉक करने का ब्लैक स्टॉन की हेल्थ काफ़ी कम नज़र आएगी बट लास्ट प्लेयर ज़्यादा भी पहुंच चुका है एंड वो गॉडविन को यहाँ पे रिवाइव देना चाहेगा शॉर्ट्स उनके ऊपर आ सकते हैं बट अगर गॉडविन बच जाते तो शायद उनके पास एक मौका रहता बट ब्लैक जुबैर ने यहाँ पे बुजर ने कोई भी गलती नहीं की और या शॉर्ट्स लगाए वहाँ पे प्लेयर्स के ऊपर और खत्म कर दिया यहाँ पे पूरी तरह से स्क्वाड को चाय फिनिश पॉइंट एमको मार्कासूपी कैम्स के भी नजर आएंगे सालमोन पूरी तरह से फिनिश हो चुका है हम लोगों ने देखा भी था वो फाइट पर वहीं पे आई किस भी यहाँ से जोन के लिए निकल चुके हैं आली फ्यूरी शाडो और आदित्य ये चारों के चारों प्लस आज खेलते हुए हम लोगों को नजर आएंगे और देखना पड़ेगा यहाँ से जब जोन के लिए निकलेंगे तो जरूर से फाइट होने के चांसेस रहेंगे आलोक के द्वारा शॉर्ट्स आ सकते हैं ऐसे हमें यस कार फूटने के साथ वो नॉक हो चुके बट आलोक जरूर से नॉक करेंगे यहाँ पे फ्यूरी को भी यहाँ पे शाडो और आली का पर्सपेक्टिव परिविशन देखना

कि यहाँ क्या पर क्या नॉक निकल पाएंगे यहाँ पे नहीं पर एमगढ़ भी और उनकी गाड़ी जो है वो पूरी पलटी आ गई है तो चलो रुकने का शायद फैसला लिया बट दूसरी गाड़ी है वहाँ पर आप वो उठा सके जा सकते हो आई किस को अगले प्लस की बात की जाए दो प्लेस पूरी तरह से फिनिश हो चुके हैं एली एंड शेडो दोनों ही प्लेस बाकी रहेंगे और नीड आ सकती है उनके ऊपर कभी भी खत्म किया जा सकता है उनको भी रैंडम शॉट्स के द्वारा शॉर्ट्स आएंगे और शेडो ऑलमोस्ट वन एस पे है और वो बंदा भी यहाँ पे नॉक हो जाएगा एली जैसे जैसे सरवाइव तो कर रहा है बट यहाँ पे रहना यहाँ पे सरवाइव करना यहाँ पे आ, रुकना तो बहुत ही मुश्किल रहेगा और आ लोग पूरी तरह से यहाँ पे खत्म कर देंगे पूरी तरह से स्कॉल को वाइपआउट कर दिया जाएगा पर वहीं पे टीम नंबर ट्वेंटी फाइव ए प्लस की ये फाइट इसकी को यहाँ पे नॉक किया जाएगा और फिनिश भी कर दिया जाएगा जरूर से दो तो प्लेस के ज्यादा अभी भी फाइड होने के चांसेस रहेगी एम गॉड और गैसिक वायरी की यहाँ पे जो जोड़ी कमाल कर रही है वो बहुत ही कमाल है एंड देखना पड़ेगा यहाँ पर आलोक और सैडी को खत्म कर पाएंगे या फिर एम गॉड के परस्पेक्टिव से हम लोग देखना चाहेंगे यहाँ पे एक और नॉक निकालने की कोशिश रहेगी प्लेयर्स आ सकते हैं ओपन में ही आना पड़ेगा शायद व्हीकल लेके आ सकते हैं बट यस यहाँ पे एक प्लेयर पूरी तरह से फिनिश होने वाला है वो पक्का है सैंडी आलो क्या सोच रहे हैं वो देखना पड़ेगा सैंडी के परस्पेक्टिव से देखते हैं उनके पास हम लोगों को एक जरूर से एक स्कारल नजर आ रही है बट स्कारल से यहाँ पे प्लेयर्स को नॉक करना मुश्किल रहेगा क्योंकि प्लेयर्स वहाँ पर सोच रहेंगे वेट करेंगे यार जरूर से अपने प्लेयर्स को बचाने के लिए आएंगे तो फिर उसके बाद हम लोग शॉर्ट्स लेंगे तो यस हम लोगों को देखने को मिलेगा आप ही के के लिए कैम पी लगाते हुए नज़र आ सकते हैं। पर यहां पे के के जगह पे यस अभी उन्होंने एस के साथ में पकड़ लिया और जरूर से टैप शॉर्ट्स सामने वाले प्लेयर्स को नॉक कर सकते हैं नाइन टीम्स ट्वेंटी सिक्स प्लेयर्स अभी भी यहां पर अल्लाह नजर आ रहे हैं और दो टीम्स अभी भी यहां पर फाइट ले रही है मैं देखना चाहता हूं कि यहां पर जोन के बाहर कोई टीम कोई प्लेयर्स है या फिर यस एक

परफॉर्मेंस यहाँ पे आलोक दिखा रहे हैं अपनी टीम के लिए एंड जब यार जब एम असिस्ट ऑफ होता है तो यहाँ पे प्लेयर्स को स्पॉट करना शॉर्ट्स लगाना नॉक करना थोड़ा मुश्किल रहता बट बहुत ही बेहतर बढ़िया तरीके से उन्होंने ये काम किया ओके आर डब्ल्यू एलव स्क्वा के प्लस लूसीफर की बात की जाए सो रेवन की स्क्वा के प्लस की बात की जाए तो लूसीफर यहां पे नॉक हो चुका है चुके से मिलेगा वहां पे अपने प्लेस को आर डब्ल्यू एवलवेस अभी तक अपनी टीम की तरफ से अकेला प्लेयर अलाइव नजर आएगा टीम ने सिक्स के प्लेस के साथ शायद फाइट हो सकती है गाड़ी मिल चुकी है जोन के अंदर जाने की कोशिश रहेगी थकते टीम नंबर थ्री के प्लेस अगर उनको स्पॉट कर लिया तो जरूर से मेरे घर से खत्म कर सकते हैं बेरालोई की बात की जाए ज्यादा डैमेज सहन नहीं कर सकती कुछ और उनके ऊपर आएगी ये गाड़ी कभी भी फट सकती है जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर चारों के चारों प्लेयर्स को चार्स लगा दे दस 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 गोलियां में ही यहां पर फे फैरस की बेड़ी बन गई वहीं पे एक और फाइट होने के चांसेस टीम नंबर जो की प्लेयर्स की जो गोलियां होती है उसकी आवाज के रुक चुके हैं सबसे पहले पीछे की तरफ वो देखेंगे वहाँ पे सब कुछ देख लेंगे कि यार पीछे की तरफ कोई और टीम है या फिर नहीं वो थर्ड पार्टीज कर सकती है पैक फायर कर सकती है उनके ऊपर तो वो से होगा या फिर नहीं रेवन के लूसीफर फिर से नॉक हो चुका है फोर्थ जोन जोन का डैमेज बहुत ज़्यादा हो रहा है एंड अभी के लिए मेरे ख्याल से जोन के अंदर पहुँच जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा एंड फाइनली रेवन की स्क्वाड में लूसीफर खत्म हो चुका है नोब खत्म हो चुका है बैन का और फालुदा दो ही प्लस जोन के अंदर पहुँचने में कामयाब रहेंगे टीम नंबर सिक्स की अभी भी फाइट होने के चांसेस रहेंगे प्लस वो स्क्वाड कर लिया गया एक्स ब्लैक

वाइपर ओपी के पास हमारा हम लोग की नज़र रहेगी कि ये बंदा यहाँ पे कैसे गलता है पर ज़रूर से एक नॉक निकाले की कोशिश गैम्सवाइटी भी, भी रहेगी तो देखते हैं ये बंदा अगर नॉक निकाल लेता है सैंडी हो जाते हैं नॉक तो फिर मुश्किलों पर रहेगी टीम नंबर ट्वेंटी वन और ज़रूर से मेरे ख्याल से टूअल्स टू कि ये फ़ाइट है वो निकाल सकते हैं टीम नंबर ट्वेंटी फाइव का ये प्लस निकाल सकते हैं ये फाइट को अभी तक एक अच्छा गेम प्ले दिखा है गैम्सवाइटी ने तो ज़रूर से ये वाला गेम के अंदर भी उनके ऊपर काफ़ी कुछ दारोमदार रहेगा एंड वाइपर ओ को तो ज़रूर से यहाँ निकालने ही होंगे उनके लिए अगर सामने वाली टीम को खत्म करना है तो अच्छा ये वाला निर सही है ये वाला नेट जरूर से नॉ कर सकता है पर सैंडी आ चुका है सैंडी क्लोजिंग कर चुका है सैंडी ने बिल्कुल भी आइडिया नहीं था पर आलो क्या ख्याल देख सकते हो बहुत ही कम हो चुके हैं एंड मैंने वही बोला था कि नेट बहुत ही बढ़िया था पर जैसे ही यहाँ पे नेट डाला नेट डालने की कोशिश की सैंडी ने नॉक निकाला फिर जरूर से करेंगे एक और फाइट स्टार्ट हो चुके हैं टीम नंबर सिक्स का एक प्लेयर हो चुका है नॉक और टीम नंबर ट्वेंटी में आलोक का केला प्लेयर बाकी रहेगा वहाँ पे जो प्लेयर था सैंडी उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये जो जगह है उसके पीछे ही एक प्लेयर है तो मार्कस सूभीी को रिवाइवल मिल रहा है क्या बात है यार बहुत ही तरीके से मार्कस सूफी को फाइनल रिवाइवल मिल चुका है तो तीनों प्लेयर्स अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं बस उनके काफी दूर भी नजर आएंगे उनको जोन के अंदर भी जाना है गॉड फादर खत्म हो जाएंगे उसी बीच टीम नंबर एट के प्लेयर्स की फाइट रहेगी टीम नंबर सिक्स के प्लेयर्स के ऊपर अभी भी शॉर्ट्स आ रहे हैं और पूरी तरह से स्कॉक को वार्प आउट करने में कामयाब रही है टीम नंबर थ्री के प्लेयर्स ने उनको खत्म किया चाफ अपने नाम हासिल किए नहीं पर टीम नंबर सिक्स में अभी भी दो प्लेयर्स अलाइव है सॉरी गाइस आदित्य और हाइपर अल्फा अभी भी यहाँ पे अलाइव नजर आएंगे टॉक्सिक को स्पॉट करना चाहिए था काफी

बहन गए जोन के अंदर नहीं पहुंच पाएंगे रिवाइवल नहीं मिल सकता अभी उनको एंड देखते हैं यहाँ पे तीन प्लस अलाइव फिर से हो सकते हैं टीम नोट ट्वेंटी फाइव की तरफ से पर ये वाला नेट जरूर से वहाँ पर प्लस नॉक कर सकता है एंड टू प्लेयर्स नॉक पड़े ऑलरेडी तो उनको खत्म कर सकता है पर मार्कस भी को वहाँ पर रिवाइव मिल चुका है तो चलो देखते हैं वहाँ पर फिर से फर्स्ट एड जरूर से लगाएंगे ये प्लेयर्स और फालूदा uh, यहाँ पे यस yes. एक नॉक निकाल सकता था गाड़ी के नीचे से वो शॉर्ट जा सकते थे फालूदा की हेल्थ काफ़ी कम हो जाएगी फर्ट एड लगानी पड़ेगी जल्दी से नहीं तो टीम नोट ट्वेंटी फाइव के प्लस जल्दी

जोन के अंदर आने में कामयाब रहे एंड अभी के लिए देखना पड़ेगा आगे की फाइट वो लेते कैसे टॉप थ्री टीम्स के ऊपर हम लोग आ चुके हैं सुपारी गैमिंग और उनकी स्कॉर्ड में सौरभ अभी भी अल्लाह और यस जिदे के चांसेस भी रहेंगे क्योंकि यहाँ पे वो जोन के अंदर नजर आ रहे तो ये पॉजिशन की बात करें तो सच में यार ये स्क्वाड एक पॉजिशन ले लेती है जहाँ पे फिर तो जोन उनके ऊपर बनते जाते हैं बनते जाते हैं अभी भी चांसेस है उनकी सबसे ज़्यादा चिकन चिकनिना लेने के क्योंकि यहाँ पे टीम नंबर एट एंड टीम नंबर ट्वेंटी फाइव वो फाइट लेने वाली है जोन के अंदर जाने के लिए एंड जब वो फाइट लेगी तो उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है यहाँ पे टीम एयासन के सौरभ को सुपारी गैबिंग को जो कि यहाँ पर बेहतरीन पोजिशन पर नज़र आ रहा है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर कुछ नॉक्स भी निकाल सकते हैं कुछ फिनिशे भी निकाल सकते हैं पर उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा बस उनको नॉक नहीं होना है वो अगर शॉर्ट्स नहीं लगे वहां पे प्लेयर्स को नॉक नहीं करेंगे तो भी चलेगा वो आपस में वैसे भी फाइट लेने वाले बट अगर वो नॉक हो जाते हैं तो उनके जीतने के जो सबसे ज्यादा चांसेस हम लोगों को देखना मिल रहा है वो शायद खत्म हो सकता है कम हो सकता है वापर ओपी के ऊपर बहुत सारे शॉर्ट्स कनेक्ट हो चुके हैं वापर ओपी हो चुका है नॉक और एमगढ़ मार्कस ओपी को खत्म कर दिया जाएगा पूरी तरह से स्क्वाई वहां पर हो चुकी है सारी टीम्स यहां पे वाइप आउट हो चुके हैं और टीम ए एस एन ने फिर से यहां पे लगातार दूसरा चिकन डिनर अपनी टीम के लिए ले लिया है सरों के चार फिनिशेज ये वाले गेम के अंदर भी सुपर गेमिंग के तीन फिनिसेज नज़र आएंगे टोटल सात फिनिशेस और लास्ट गेम में भी मुझे जब तक याद है उनके सात फिनिशेस का ही चिकन डिनर था उनका भी तो बहुत ये बहुत ही बेहतरीन गेम हम लोगों को आज देखने को मिला टीम ए एस एन के प्लेयर्स के द्वारा और दोनों ही गेम के अंदर पैक टू पैक चिकन डिनर लेती हुई ये टीम नज़र आई हम लोगों को सेकंड गेम के सेकंड पोजीशन पे हम लोगों को एक्स ब्लैक के बूजर बेस्ट गॉडफादर और ब्लैक स्टॉम ही नज़र आएंगे लास्ट गेम में ही ऐसा ही हम लोगों को देखने को मिला था सेकंड पोजीशन पे यही स्क्वाड थी ब्लैक बूजर बेस्ट गॉडफादर और ब्लैक स्टॉम ही थे जब तक मेरे को याद है जितना याद है तो यस ये टीम दोनों ही टीम ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है दोनों गेम के अंदर यार दोनों मैच के अंदर सेम तरीके से खेलना टॉप टू में आना है सच में बहुत ही बढ़िया गेम प्ले फिनिशेज काफी अच्छे तीन 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 फिनिशेज मिले बूजर गॉड फादर ब्लैक स्टॉम को दो फिशेज ब्लैक बिश के नजर आएंगे थर्ड पोजीशन पे आरबी के पाइपर ओपी एम गॉड मार्कस ओपी गेम स्पेसिफिक वाईडी एंड यूट्यूब सालमोन नजर आएंगे टोटल आठ फिनिशेज के साथ फोर्थ पोजीशन पे श्रेयाज जूस काकाशी नज़र आएंगे हम लोगों को तीन फिनिशेज के साथ फिफ्थ पोजीशन पे नूप फालूदा लूसीफर और पैन कार्ड नजर आएंगे छह फिनिशेज के साथ सिक्स पॉजिशन पे सेंशान असुर हारपर और टॉक्सिक नज़र आएंगे चार के साथ सेवन्थ पोजिशन पे एक्सरसाइ शोपी हाइपर आलफा सत्यारदित इतने नजर आएंगे टोटल आठ फिनिशर और पांच फिनिश आदित्य के नजर आएंगे आठ फिनिश सॉरी एट पोजीशन पे हम लोगों को आल ओवर इसकी आसानी नजर आ टोटल छह फिनिश ज़्यादा उसके बाद दो दो फिनिश मिले सुगना ओपी एन फेरस को एक एक फिनिश जैरोस और गॉडविन का चार फिनिश रेज के नजर आएंगे हम लोगों को उसके बाद एक फिनिश प्रिस्ट का है और बहुत सारे ब्लेस के जीरो फिनीस भी है पर तीन फिनिशेज मिला है हैं कॉम्बैट को भी और बाकी प्लस के जीरो फिशेज है चार ऑफ द मैच हम लोगों को फाइफर आउट ही नजर आएंगे चार फिन पहन गए नजर आएंगे तीन रिवाइव के साथ और फाइनल एलिमिनेशन के रूप में ए और ऑफ ही नजर आएगा ये वाले गेम के अंदर भी तो चलो फाइनली यहाँ भी अपना सेकंड गेम भी खत्म हो चुका है और मेरा टाइम हो चुका है अभी के लिए आपसे अलविदा लेने का गाइस लाइक जरूर से कर देना वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना चौदह लाइक्स हुए एटलीस्ट पंद्रह लाइक तो पहुँचा दो यार अभी तो मेरे को नहीं लग रहा है कि यार बीस लाइक हमारे हो सकते हैं है पर एटलीस्ट पंद्रह तो हो सकते हैं तो फटाफट से एक लाइक यार कर दूँ एक लाइक तो बनता है यार एटलीस्ट पंद्रह तो हो सकता है चलो गाइज आप लाइक करो आप सब्सक्राइब करो और मैं चलता हूँ यहाँ से मिलूंगा सीधा कल रात के नौ बजे तब तक के लिए बाय बाय गाइस टेक केयर और गुड नाइट